Welcome to the first session of the joint programs by Ganga, Jamuni and ASHA. We propose to come to you again and again, possibly on a weekly basis. First of all, I would like to thank Ganga Jamuni Heritage, who have a presence on the social media, especially on YouTube and on Facebook. Shagufta Siddhi has been, organizing programs one after the other almost daily. So we thought that Shagufta and her organization, Ganga Jamuni Heritage, and the Aligarh Society of Historians of History and Archaeology, ASHA, we would join hands to present a few, such programs before you. All of you know that since the pandemic has started, there have been surfeit of programs where, instead of going to the classroom, the historians and speakers have been meeting you on the net. And that is why I thought that this is the best way to communicate our message to the general public. Today, in the world in which we live, I particularly feel it is very important that we should send our message to our younger generation. And that is why we thought of having such programs. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और इससे पहले कि मैं आज के गेस्ट को आपके सामने इनवाइट करूं, I would like to tell you something about what this Aligarh Society of History and Archaeology is. ये एक सोसाइटी है, फिलहाल तो एक बिल्कुल एक इनफॉर्मल ग्रुप सा है, जिसमें कुछ हिस्टोरियंस जेएनयू के हैं, कुछ अलीगढ़ के हैं, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, कुछ कलकत्ता से हैं, कुछ और दूसरी जगहों से हैं. हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म आशा के नाम से ये पिछले एक डेढ़ साल में ये चुना और ये सोचा कि इसके थ्रू कुछ हम चीजें अपने नए जनरेशन तक पहुंचाने का काम करें. सो अमंग्स आवर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, द बेसिक थिंग इज टू प्रमोट एंड डेवलप अ सेकुलर अप्रोच एंड परकोलेशन ऑफ अ सेकुलर हिस्ट्री टू द मासेस. जो हमारा कंपोजिट कल्चर रहा है, हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब रही है, उसके बारे में हम न सिर्फ ये के बात करें बल्कि उन पहलुओं को हम अपनी आवाम के सामने, अपने नौजवानों के सामने रखें. और जब हम एक सेकुलर साइंटिफिक अप्रोच की बात करेंगे तो नेचुरली व्हाट वी वुड बी डूइंग इज वी वुड बी फर्दरिंग अ रैशनलिस्टिक अप्रोच टू आवर पास्ट. और इसमें जो मीडियम हम चूज कर रहे हैं उसमें हिस्ट्री भी है, आर्कियोलॉजी भी है, पेंटिंग्स, म्यूजिक और जितने भी कल्चर के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उन सब को हम शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं. और इनके इन चीजों के थ्रू जो एक साउथ एशियन हिस्ट्री का पास्ट रहा है उसको कायदे से समझने की और समझाने की एक कोशिश. वी हैव थॉट कि अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए वी विल हैव अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, टॉक्स, लेक्चर्स, सिंपोजिया, सेमिनार्स. और जाहिर है कि जब तक ये पैंडेमिक चल रहा है और फिजिकली हम लोग किसी एक महदूद जगह पे किसी एक कमरे के अंदर मीट नहीं कर सकते हैं तो सोशल मीडिया को यूज करते हुए हम लोग इन प्रोग्राम्स को करेंगे. फिलहाल आपके सामने जो ये हम पेश करने जा रहे हैं उसकी एक ये पहली एक कड़ी है
जिसका हम लोगों ने एक टाइटल रखा है रिफ्लेक्शंस ऑन आवर शेयर्ड पास्ट। इसमें हम लोगों ने जो विजुलाइज किया था वो ये सोचा था कि आज 4th of October को पहला प्रोग्राम जो हम रखेंगे उसमें वी वुड बी हैविंग अ डिस्कशन ऑन अ बुक विच हैज रिसेंटली बीन पब्लिश्ड, अ बुक ऑन ब्रज भूमि बाय प्रोफेसर इरफान हबीब साहब। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सर्टेन रीजंस जो यहाँ पर पैंडेमिक की जिस टाइप से ग्रोथ हो रही है उसको हमें पोस्टपोन करना पड़ा और हमें फिर दूसरे गेस्ट का यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ा, उनको बुलाना पड़ा। ये प्रोग्राम जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने वीकली बेसिस पे इफ नॉट मोर वो पेश होता रहे, आते रहे। पीपल लाइक हम लोगों ने अभी कई लोगों से बात कर लिया है, फॉर एग्जांपल एबाकॉश, रिचर्ड ईटन, देन वी हैव यू नो पीपल लाइक जॉन स्टैटन हॉले, और एक और नाम जो हिस्टोरियंस अक्सर भूल जाते हैं और वो है एक चैतन्य महा जो मूवमेंट है वृंदावन का, उन टेम्पल्स में जो एक वहाँ के एक महंत हैं श्री वत्स गोस्वामी जी, जिनके थ्रू हम लोगों को बहुत से वृंदावन और मथुरा के डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स मिलती हैं, उनको भी हमने इनवाइट किया है। एंड होपफुली इस टाइप के लोग प्लस उसके बाद जैसे मैंने कहा कि इरफान साहब खुद, देयर वुड बी प्रोफेसर नजफ हैदर, प्रोफेसर शीरिन मूसवी, देयर वुड बी अदर्स एज वेल। ये तो मैं जिन लोगों से मैंने अब तक थोड़ी बहुत बात कर ली है इनमें से कुछ ऐसा एक आध ऐसे लोग भी हैं कि जिनसे हम लोगों ने एक एक तरीके से टाइम भी फिक्स कर लिया है, लेकिन जब तक कि वो वक्त नहीं आता, जब तक नहीं हो पाता, तो मैं अभी वो पूरी आइटिनरी आपके सामने नहीं बयान करूंगा। आज के इस प्रोग्राम में जो गंगा जमुनी हेरिटेज और आशा का ज्वाइंट प्रोग्राम है, वी हैव इनवाइटेड अ स्कॉलर फ्रॉम बियॉन्ड आवर ओन बॉर्डर्स। We have invited a person who lives in Rawalpindi, the other side of the border from Pakistan. He is none else but Professor Nadeem Omar Tarar. Let us welcome him. But before I start, talking to him and asking him give his viewpoint of what he is working upon, let me give a brief introduction about him to those Indians who are not aware of the works which he has been doing since the past few years. Ye unfortunate hai ke hum log jo border ke is side pe hain wo वहां क्या एकेडमिक काम हो रहा है उससे बहुत कम वाकिफ हैं, और उधर वाले हमलों से कम वाकिफ हैं, और इसलिए ये बड़ा अच्छा है कि हम इस प्रोग्राम में जो कल्चर और हेरिटेज के ऊपर है, वी वुड बी स्ट्रेसिंग ऑन दैट, हमने नदीम साहब को इसमें इनवाइट किया। नदीम उमर तरार, डॉक्टर तरार इज एक्चुअली अ हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड एट द मोमेंट he is the executive director of a center which is known as Center for Cultural and Development, which is situated in Islamabad in Pakistan. Previous to that, he also served as the director at the National College of Arts at Rawalpindi. He has also been associated with a number of other programs both at Lahore, in US, in UK, and at other places. For example, he did his PhD from Australia, from the New South Wales University of Sydney. He was also associated with MIT,
the with you know the Aga Khan Memorial Trust. He has a number of articles, papers, as well as a number of books. For example, one of his books, which I am told would be out soon, and if I am wrong, he would correct me, is Colonialism, Culture, and Art Education in Pakistan, Decrypting the Archives, which is being published by Anthem Press. He is also doing a book, Ruled by the Pen, Orientalism and Education in Colonial Punjab. Let me also inform that Professor Tarar has also been published in some of the Indian journals. For example, one of his articles on education was published by EPW in 2006. It's a beautiful article, and I would recommend all of you to actually go through it. Mera jo personal connection jo Dr. Tarar se raha, wo us waqt tha ke jab wo Swas mein the. He was a postdoctoral researcher way back in 2007 at the Swas. Aur usi period mein jab ye wahan pe postdoctoral fellow the, 2007 mein, I got the Charles Wallace Fellowship and was also there at Swas along with him for a few months. So meri mulaqat aksar inse, ek to we would sit in the same chamber opposite each other, to roz ek dusre ko hum log milte the aur dekhte the, aur interaction hamara jo Swas ki jo canteen thi, especially jo staff room jo kehlata tha, wahan pe over coffee or tea takriban roz hoti thi. Ittefaq se mera naam bhi Nadeem, Dr. Tarar ka naam bhi Nadeem. To aksar ye hua ki jab koi poochne aata tha to hota tha Pakistan wale Nadeem ya Hindustan wale Nadeem. To behal Dr. Tarar aapse badi achhi mulaqat rahi thi, aur pichle kuch saalon mein jis type ka kaam main aapko karte dekh raha hu, I really appreciate the type of work which you are doing. Welcome you to our program, and now I request Dr. Tarar to Tarar sahab, aisa hai ki main aapse ek aad basic sawal karunga, aur un sawalon ka aap jawab dete waqt aap bilkul ye care na kare ki main kya pooch raha hu, kyunki bahut zyada hai aapke paas batane ke liye, mere paas poochne ke liye itna ilm nahi hai. बहरहाल मैं मिडिवल इंडिया का आदमी, आप गांधारा पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखिए कि जो गांधारा की इम्पोर्टेंस हम हिंदुस्तानियों के लिए है वो बेहद ज्यादा है. एंड आवर ऑडियंस, जाहिर है कि ये प्रोग्राम जो है अभी तो फेसबुक पे है और बाद में यूट्यूब पे भी डाला जाएगा और परमानेंटली वहां रहेगा, तो इसको लोग काफी देखेंगे और सुनेंगे. तो मैं अल्टीमेटली ये चाहूंगा कि अगर जो पहलू हम या शगुफ्ता आपसे नहीं भी पूछ रहे हैं तो वो भी जो आप बताना चाहें इसमें वो आप बताइएगा. शगुफ्ता, मैं आपसे ये कहूंगा कि क्योंकि शायद आप डॉक्टर तरार की वो दिखाने जा रही हैं जो इनके पावर पॉइंट है, तो जरा सा वेट करके जो एक आध पहले हम लोगों की आपस में गुफ्तगु हो जाए उसके बाद फिर उनको हम शुरू करें. पहली चीज डॉक्टर तरार जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये पूछूंगा कि जरा सा जो मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया, ये तो वो दिया जो इंटरनेट पे मुझे मिला या जो मैंने आपके बारे में खुद महसूस किया था उन तीन चार महीने जब मैं आपसे मुलाकात कर रहा था. आई वुड यू टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वॉट टाइप ऑफ वर्क विच यू हैव बीन डूइंग इन पाकिस्तान. And the second thing which I would like to inquire from you would be that you tell us something about the center in which you are working these days, the Center for Cultural Development. So these are the two things with which you please start, and then after that we will come to Gandhara. Ji, Dr. Saab, bahut shukriya
आपका इनवाइट किया आपने मुझे, और मेरा ख्याल है कि जैसे आपका थीम है शेयर्ड पास्ट, ऑफ कोर्स कहने का मकसद यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान डिवाइडेड इनटू टू नेशन स्टेट्स, बट ओनली यू नो 70 इयर्स अगो दे वर काइंड ऑफ वन कंट्री अंडर द कॉलोनियल रूल एंड देन यू गो वी गो बैक इन टाइम टुगेदर. तो उस सिलसिले में, और मैंने अक्सर महसूस किया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्रीज होने के बावजूद हमारी जो सोशल कल्चरल लाइफ है वो बिल्कुल एक जैसी है. यानी हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से लेकर तो हमारी पॉलिटिकल जो कह लीजिए कि जो वो होती है कह रहे कि पावर प्ले जो होता है, या तो वो हमारा तो हमारे ड्रामे जो हमारी सोशल लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं वो सब एक जैसा है. अच्छा, और ये बड़ा मुझे कभी पजल करता है कि हाँ, हम पाकिस्तानियों के लिए बड़ा स्टैंडर्ड आंसर होता है कि वी नेवर हैड ए फुल डेमोक्रेटिक रूल, जिसकी वजह से हमारे गवर्नेंस के क्राइसिस हैं. लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं रहा, उसके बावजूद वहाँ भी क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस जो है वो हम सबके सामने है. तो इस हवाले से मेरा ये जो एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो मेरा इंटरेस्ट रहा है वो इंटरेस्ट इस चीज़ में रहा है कि यानी मतलब क्या, यानी जो कंटेम्प्रेरी कल्चर है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी एक हिस्टोरिकल डेप्थ होती है. यानी कह लिए जाए कि हमारे ख्यालात और हमारे मिजाज जो हैं वो सालों में नहीं, वो सदियों में शायद बनते हैं. ठीक है, तो इस वजह से जो हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजी है वो मुझे बहुत इंटरेस्ट करती है कि क्या हिस्ट्री ऑफ आइडियाज है, हमने कैसे क्या सोचा, क्यों सोचा. तो इस सिलसिले में अपार्ट फ्रॉम माय सॉर्ट ऑफ जो मैंने एनसी में मुलाजमत की और आर्ट हिस्ट्री में कुछ थोड़ा बहुत काम किया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सेंटर फॉर कल्चर एंड डेवलपमेंट का जो इनिशिएटिव था इसके पीछे कंसर्न ये था कि जो हमारा जो डेवलपमेंट कह लें कि जो प्लानिंग और जो प्रैक्टिस है वो दैट इज़ इन ए वे एट लॉगर हेड्स विद आवर कल्चरल कह लो कि कंडीशंस. ठीक है, और ये जो एक मॉडर्निटी का जो ब्रॉडर क्राइसिस है वो इसके अंदर सारा रिफ्लेक्ट होता है. तो मुझे ये बहुत कंसर्न रहा कि यू नो कल्चर हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द डेवलपमेंट प्रोसेस, और कल्चर को हमेशा जो मॉडर्नाइजेशन थेरेस्ट हैं उन्होंने यही समझा कि ये कल्चर जो है ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है और सारी दुनिया जो है वो एक जैसी हो सकती है. ऑल मॉडर्न कल्चर्स वुड बिगिन टू एग्जिबिट सिमिलर कह लो कि सिम्टम्स विच आर and in show indicators and signs which are of a Europeanized modern society. The expectation bhi thi, planning bhi thi, ye sari hamari schooling or employment or jo hold, there's a discourse around modernization that is actually, you know, consider culture as a problem. Ke ji hamara feudal past hai, hamara fala culture hai. So generally I think ke matlab polio ke upar yahan jab resistance hoti hai to log polio vaccination nahi karate. So then the only recourse to it is, forced vaccination. Whereas I always thought, why not to try understand what is their cultural logic that actually demands or obliges them to act in a certain way, rather than trying to, you know, blow them, block them, or by force unko ye kariye nahi karna chahiye. So culture is very primary to my thinking ke, and I think unless we prioritize it in so many ways in our governance patterns, तो यहाँ कभी भी वालात नहीं ठीक हो सकते, हम कभी भी जोड़े नहीं बन सकते. नहीं, डॉक्टर तरार बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं. जैसे जो हमारा और आपका जो कल्चर है, जो हेरिटेज है हमारा, वो बिल्कुल कॉमन है. चाहे अगर आप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से चले और 47 तक हम लोग शाना बशाना मिलके चले हैं, चाहे वो एंशियंट पीरियड हो. हम लोग उस पर आएंगे, जैसे तक्षशिला में जो पूरा महाभारत का जो पहला टेक्स्ट कहीं जो पढ़ा गया वो वही रीजन है जो आज पाकिस्तान कहलाता है, तक्षशिला का रीजन है. एक तरीके से जो एजुकेशन सिस्टम जो शुरुआत जो हमें मिलती है, जो एक
कॉलेज के फॉर्म में तक्षशिला में वो मिलती है, वो हमें नजर आता है। अगर आप उसके आगे पढ़िए चाहे वो साइंस का डेवलपमेंट हो, पाणिनि वगैरह है, लेट अस नॉट गो इनटू द डिटेल्स, और वो सब होते होते अगर आप आ जाएंगे मिडिवल पीरियड में, तो सल्तनत जाहिर है कि जो लाहौर की इम्पोर्टेंट सल्तनत पीरियड में रही वो बेहद ज्यादा थी, बिल्कुल उतनी ही थी जितनी दिल्ली और आगरा की रही, और वो चीज कंटिन्यू की 1947 तक हमारे आपके कल्चर में। तो जाहिर है कि जो प्रॉब्लम्स, जैसे आपने कहा कि पोलियो ड्रॉप्स या इस टाइप के इनोकुलेशन करने में जो आपको दिक्कतें आती हैं, एग्जैक्टली वही दिक्कतें हिंदुस्तान की सरजमीन पे भी लोगों को समझाने के लिए आती हैं। एक चीज और जो मुझे समझ में आई आपसे बात करके, वो ये कि हमारे यहाँ भी और आपके यहाँ भी दोनों जगह कल्चर को थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया गया है, जितनी तवज्जो इन 70 साल में उसको देनी चाहिए थी वो कल्चरल स्टडीज शायद कम हुई है, एंड दैट इज वाई द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंटर्स लाइक द वन इन विच यू आर वर्किंग और देर आर सर्टेन अदर सेंटर्स विच आर देयर इन इंडिया। नाउ एज पर जो आपका सेंटर है, सेंटर फॉर कल्चरल डेवलपमेंट, आई होप के जो आप लोग काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं। मैंने आप ही के फेसबुक पे ये भी देखा था कि देर इज समथिंग विच इज नोन एज गांधारा रिसोर्स सेंटर। गांधारा रिसोर्स सेंटर वो क्या? अच्छा सर, उसमें ये था कि मैंने ये ख्याल किया कि पाकिस्तान के विद इन द कल्चरल पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान दिस गंधारा बुद्धिस्ट हेरिटेज इज ह्यूजली निगलेक्टेड, यू नो देयर इज ए जैसे ना इस काइंड सम इन ए कल्चरल सेंस इट इज समथिंग व्हिच इज कंसीडर्ड एज अ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, राइट? वेयर एज अगर इसकी जो सिग्निफिकेंस है, अगर इसकी जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो दैट इज यू नो कंप्लीटली यू नो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स निगलेक्ट, ठीक है? अच्छा, अब एक ऐसी चीज के जो के पाकिस्तान के सकाफती विरसे की जिसको मैं समझता हूँ कि एक हमारी गोल्ड माइन है, वो उसको तो हमने किसी काबिल नहीं रखा, किसी काबिल नहीं समझा, वो वैरायटी ऑफ रीजंस। अच्छा, अब मेरा कंसर्न ये था कि हमने ये सोचा कि अगर हमने गंधारा पे काम करना है तो हमें फिर थोड़ा सा अपने आप को रीलोकेट करना चाहिए, और उस रीलोकेशन में बात बीच में रुक रही है, आपकी बात बीच में रुक रही है, जो आपने जो गंधारा को डेवलप किया, क्या कभी आपको ये भी एहसास हुआ कि जो मजहब का फर्क है उसकी वजह से भी कोई रुकावटें आई गंधारा को डेवलप करने में? देखें, मैं अगर आप मुनासिब समझें तो मैं थोड़ा सा पाकिस्तान का और गंधारा के साथ इसका ताल्लुक थोड़ा इस हवाले से बताऊं कि इसकी क्या प्री हिस्ट्री है हमारी इनिशिएटिव की। देखें, आमतौर पर यह समझा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये जो बुद्धिस्ट जो इसका हेरिटेज था वो इसकी जो इस्लामिक नेशनल आइडेंटिटी है उसके साथ मेल नहीं खाता। अच्छा, अब लोग ये भूल जाते हैं कि जो पाकिस्तान के जो फाउंडिंग डेकेड्स है, खासतौर पर 50s और 60s, उसके अंदर जो पाकिस्तान के जो स्टेट इडियोलॉग्स थे, जो कि बड़े नामी ग्रामी हिस्टोरियंस थे जिनमें इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब सर फहरिस्त हैं, उन्होंने बुद्धिज्म पर बुद्धिज्म के ऊपर काम किया और उनको पाकिस्तान की रियासत ने सरकारी खर्चे पर दुनिया के बुद्धिस्ट कंट्रीज में 60s में भेजा कि वो जाकर दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान का बुद्धिस्ट हेरिटेज क्या है। यानी कि पाकिस्तान की रियासत ने अपनी एक कह लीजिए कि अपनी जो हेरिटेज थी, जो एंशंट हेरिटेज थी, उसको एक किस्म की कोट अनकोट हिंदू जो उसकी जो लीनियज है उससे अलग करने के लिए एक डिस्टिंक्ट बुद्धिस्ट लीनियज के साथ अपना रिश्ता जोड़ा, ठीक है, कि जिससे वो ये साबित कर सकें कि पाकिस्तान की रियासत तो नौजीदा है लेकिन इसकी जो यहाँ की जो तारीख है वो बहुत पुरानी है। तो यानी कि इस वजह से 50s और 60s के अंदर अगर आप देखें तो हमारे जो पाकिस्तान के जो म्यूजियम डिस्प्लेस थे उसके अंदर जो बुद्धिस्ट और ये जो गंधारा का जो मटीरियल कल्चर था उसको बहुत अहमियत दी गई। कोई 20 नुमाइशें हैं कि जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में, जापान में, चाइना में, कोरिया में, श्रीलंका में एंड एल्सवेयर, उन्होंने ये नुमाइशें ये म्यूजियम्स ने भेजी और रियासत की सरपरस्ती में। अच्छा, इसका एक और वजह भी ये थी कि आपको शायद यकीन अंदाजा होगा कि
जो चकमा ट्राइब है जो ईस्ट पाकिस्तान में, वो उनकी वो सारा का सारा एक बुद्धिस्ट ट्राइब है जिसके नुमाया जो उसके राजा थे राजा त्रिदेव रॉय। अच्छा, अब उसकी वजह से 1971 तक पाकिस्तान जो है साउथ एशिया में एक ऐसा मुल्क था कि जिसके अंदर सबसे बड़ी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थी, इंडिया से भी ज्यादा थी, ठीक है, चकमा ट्राइब की वजह से। उसकी वजह से पाकिस्तान की रियासत ने 71 तक बुद्धिज्म को अपनी जो कौमी शनाख्त है उसका हिस्सा बनाए रखा। ठीक, अब 71 के बाद ये आपका सेंटर कब बना, ये सेंटर कब? जी जी, अभी सेंटर तो हमारा तकरीबन 2.5-3 साल हुए हैं, हमने सेंटर को यहाँ टेक्सलाब के अंदर एस्टेब्लिश किया, अपने आप को रीलोकेट किया। और इस सेंटर का मकसद ये है कि ये एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान का जो बुद्धिस्ट हेरिटेज है, जो पाकिस्तान की जो गंधारा सिविलाइजेशन है उसके ऊपर काम करे। उसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी ये मामला ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर, आई एम श्योर इंडिया के अंदर भी यही वाक़ा है कि जो कह लीजिए कि जो हेरिटेज की डिबेट है, खासतौर पर उसके जो मटीरियल कल्चर की जो डिबेट है, दैट इज ऑलवेज डोमिनेटेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। अच्छा, अब ये है कि बाय डिफॉल्ट आर्कियोलॉजी, ये जो जितनी हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में या पाकिस्तान में, वो सारी के सारी आर्कियोलॉजी वाले के पास हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, या आर्कियोलॉजिकल जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजी म्यूजियम डिपार्टमेंट हमारे पाकिस्तान में हो गए। अच्छा, अब उसकी वजह से जितनी भी स्कॉलरशिप है वो या तो साइट ओरिएंटेड है या वो म्यूजियम ओरिएंटेड है। दुनिया जहान के अंदर गंधारा आर्ट दुनिया के तमाम म्यूजियम्स के अंदर आपको पता है वो मौजूद है। उसकी वजह से दुनिया जहान के क्यूरेटर्स जो हैं उन्होंने गंधारा के ऊपर अपनी, कह लीजिए, गंधारा आर्ट और आर्किटेक्चर के ऊपर अपनी एक बहुत ही एक्सपर्टीज इस्टेब्लिश की है। अच्छा, तो लेकिन इसके कंट्रास्ट में क्या है कि जो एक मैं समझता हूँ जो हमारी एक पॉपुलर कल्चर का जो पूरा एरिना है उसके अंदर गंधारा की और पाकिस्तान की इस बुद्धिस्ट कल्चर की कोई परछाइयाँ नहीं है। मसलन मैं ये सोचता हूँ, उस दिन मैंने एक सवाल किया दोस्तों से और आप सब के लिए भी ये सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान में भी, आप मिसालें दे सकते हैं मुझे कि क्या हिंदुस्तान या पाकिस्तान में अगर हमारी मुश्तरका तहजीबी विरसा है तो गंधारा पे कितनी फिल्में बनी, गंधारा पे कितने नावल लिखे गए, गंधारा पे कितनी कहानियाँ लिखी गईं, गंधारा पे कितने ड्रामे लिखे गए। ठीक है, आपका दरिया के अंदर यकीनन वो शुरू यहाँ से होता है कुरतुल हैदर का, लेकिन ये कि इसके अलावा और क्या है। ठीक है, अभी हमारे एक पाकिस्तानी राइटर हैं, एक स्कॉलर हैं उसामा सिद्दीक, उन्होंने एक नावल लिखा है जो कि इसके इर्द गिर्द कुछ वीव करता है। लेकिन कहने का मकसद यह है कि जो हमारा पॉपुलर कल्चर है उसके अंदर गंधारा के विरसे की कोई परछाई नहीं है। अच्छा, अब सवाल यह है कि उस वक्त भी नहीं थी जब पाकिस्तान की रियासत का एक ये तहजीबी सतून था गंधारा, उस वक्त भी नहीं थी, क्यों? अच्छा, अब उसके मुकाबले में आप उसका कंट्रास्ट देखें, मैं इनको कहता हूं कि आप मुझे बताइए कि इजिप्शियन आर्कियोलॉजी पर बेस्ड जो फिल्में बनी हैं, जैसे मम्मी है, किसने नहीं देखी? तो मेरा मकसद है कि इजिप्शियन आर्कियोलॉजी जो है, दे वर एबल टू कैपिटलाइज ऑन द हेरिटेज, इजिप्ट इज एबल टू कैपिटलाइज ऑन द हेरिटेज, और यू नो सो इजिप्ट इज नोन इंटरनेशनली। अच्छा, अब उस तरह से ना पाकिस्तान ने ना हिंदुस्तान ने शायद किसी हद तक किया। हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बहुत एक्टिव है हमारे मुकाबले में, और यकीनन कुछ ना कुछ वहाँ पर ये सोच विचार होगी, लेकिन ये कि पॉपुलर कल्चर के अंदर से गंधारा का ना होना, ये वो अमल है जिसके नतीजे के अंदर ये तहजीबी विरसा जो है ये कभी भी उस तरह से रिवाइव नहीं हो सकता। स्कॉलर्स को बहुत पता है, अब मैं बाय द वे गंधारा का स्कॉलर नहीं हूँ, मैं तो बिगिनर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं इसको कह लीजिए कि हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी से निकाल कर गंधारा को पॉपुलर कल्चर में लाना चाहता हूँ। मतलब मेरा इन मोनूमेंट्स में इंटरेस्ट इनकी सिर्फ प्रिजर्वेशन के हवाले से नहीं है, मेरा इंटरेस्ट इसकी है कि यार लोग इसका क्या करते हैं। अब लोग आके इन रेलिक्स को, इन रूइंस को, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो जब आके देखती है तो वो ऐसे घूम के चली जाती है और उनके दिमाग में कुछ नहीं पड़ता। किसी को अंदाजा नहीं है कि ये जो रूइंस हैं ये इनकी असल शक्लें क्या थी, ये जो तबाहशुदा, मतलब जो आप देखें फाउंडेशन वॉल नजर आती हैं आपको, अगर आप यहाँ पे हमारी जो सिर कप एक साइट है जो ग्रीक सिटी था,
तो सिरकप में अगर आप देखें तो 5 फाउंडेशन वॉल के कोई सुपरस्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, सिरकप के बारे में कोई कहानी नहीं है, सिरकप के बारे में अलमाना किताबें हैं, मैं उनसे इनकार नहीं कर रहा कि कोई इल्म नहीं है इसके ऊपर, इल्म है लेकिन वो महदूद है, सिर्फ कह लें कि इससे एक तरह की अशराफिया के अंदर जो आलमों की अशराफिया है। जी जी, जैसे आपके तक्षशिला के रीजन में कई इस टाइप के टाउनशिप्स या सेटलमेंट्स बताए जाते हैं, मसलन एक तो जिसका आपने नाम लिया सिरकाप है, या फिर सिरसुख है, भीर है, जाहिर है कि इन सब की इम्पोर्टेंस है। और ये हम लोग के यहाँ भी जो यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज चलते हैं जो आर्कियोलॉजी के हों या एंशियंट पीरियड के बारे में जो भी कोर्सेज हैं, उसमें इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। नदीम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो आपने बताया, बहुत अच्छा बताया, कि किस तरीके से बहुत जरूरत है कि गांधारा जैसी जगह को हम आम फैम बनाएं या पब्लिक परसेप्शन में उसको इंटर कराएं और पब्लिक कल्चर का पार्ट बनाएं। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ये गांधारा रीजन की अगर हम साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में या वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में अगर उसको देखने की कोशिश करें तो कहां प्लेस कीजिएगा आप इसे, जो इसकी एक वर्ल्ड इंपॉर्टेंस के बारे में आप क्या बताना चाहिएगा नौजवानों को, मतलब जो अब इस वक्त हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप उनको बताना चाहें कि वर्ल्ड हिस्ट्री के मुताबिक या साउथ ईस्ट एशिया के हिस्ट्री के मुताबिक जो गांधारा की इंपॉर्टेंस है वो क्या। जी नदीम साहब, नदीम साहब कैन यू हियर मी, हेलो सर, इट लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट हिम टेम्पररीली व्हाइल ही रिकनेक्ट्स, मे बी वी कैन टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट द ज्योग्राफी। या नदीम साहब कैन यू हियर मी नाउ, you know the what I wanted to know, in fact I don't know whether I am audible to him, but just wanted to know ke jo actually jo geography hai is pure area ki, kahan pe gandhara region aata hai jo abhi is map mein aapko nazar aa raha hai, ke ek tarike se ye pehla ilaka hai जो हम लोगों ने मुगल पीरियड के बारे में सुना, जो मुगल हिस्ट्री से जानते हैं कि हिंदू कुश की जो पहाड़ी थी दैट बिकेम द साइंटिफिक फ्रंटियर बिटवीन द इंडियन एम्पायर्स एंड दोज विच वर ऑन द वेस्ट ऑफ इट। उसी तरीके से एंशियंट पीरियड में जो पॉइंट ऑफ डिमार्केशन था या वो पॉइंट जहां के ऊपर ईस्ट एंड वेस्ट का मिलाप होता था, दैट वॉज द एरिया ऑफ गांधारा एंड स्पेशली द रीजन ऑफ तक्षशिला विद इन दैट। तो जो जितना भी जो आप ये कह सकते हैं कि जो बाहर के इंफ्लुएंसेस हमारे आर्ट पे, कल्चर पे, आर्किटेक्चर पे, मेरे ख्याल में हर वो स्टूडेंट जो इस प्रोग्राम से जुड़ा होगा उसने गांधारा आर्ट के बारे में जरूर सुना होगा, गांधारा स्कल्पचर के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें एकेमिनियन उसके ऊपर इन्फ्लुएंसेस भी आते हैं और ग्रीक और रोमन, खासतौर से ग्रीक इन्फ्लुएंसेस भी उसके ऊपर नजर आते हैं। वो सारे के सारे जो पॉइंट जहां इंटरेक्शन था, जहां से ईस्ट की नॉलेज और वेस्टर्न टाइप की नॉलेज दोनों आके यहाँ पे एक साथ मिल जाती थी, यही वो पेशावर से लेके और तक्षशिला तक का ये रीजन था, जो एक तरीके से बैरियर भी था और एक वो कॉल्ड्रन भी था जहां के ऊपर दोनों तहजीबें जो थी वो मिलजुल के एक नए तमद्दुन को, एक नए कल्चर को कायम करने की कोशिश कर रही थी। एंड दैट इज व्हाई द इम्पोर्टेंस स्पेशली फॉर एग्जांपल ऑफ गांधारा आर्ट, जो हमारे इस कल्चर में खास तौर से उसकी अक्कासी मिलती है कि जहां जो स्कल्पचर्स इस पीरियड में बनने शुरू हुए जिसमें यूरोपियन इन्फ्लुएंस नजर आने लगे, उनके अंदर जो एक तरीके से लाइवलीनेस आने लगी, जो एक एक वेन्स एंड बॉडी
के उसको जो दर्शाया जाने लगा. फॉर एग्जाम्पल दैट वॉज वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ दिस रीजन. क्या शगुफ्ता ये इनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा? हेलो, इंटरनेट इज अ लिटिल अनस्टेबल. ओके, तो ही इज जॉइनिंग कनेक्टिंग विद अस बट हिज इंटरनेट इज अ लिटिल अनस्टेबल. इन द मीन टाइम लेट्स लुक एट द मैप. Is he able to hear it? If you can't see him, can he hear it? No, it seems he can't even hear us. There's something wrong with his internet. He's trying to connect. He'll have to reconnect with us. Okay. So by that time, let me tell you that Nadeem, are you back? Welcome back, Nadeem. Can you hear me now? नवीन, थैंक यू. सॉरी, थैंक यू जी. आई कैन, आपका 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 वो हो गया. यस, आई कैन. तो आई कैन. हां, तो प्लीज गो अहेड विद द इंपॉर्टेंस ऑफ गांधारा फॉर द वर्ल्ड एंड फॉर साउथ ईस्ट एशिया. हाँ नवीन साहब, डॉक्टर तरार, कैन यू हियर मी? डॉक्टर तरार, जी, जो यानी आप देखिए, गंधारा की जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, आई कैन हेयर यू. जी, आप बोले बोले आप. जी, तो मैं, जी शर्मा, जी जी बिल्कुल, मैं कहना चाह रहा था कि देखिए, जो हमारी जो गंधारा जो सिविलाइजेशन है, दैट मतलब इसकी अहमियत यह है कि ये जो है ये कई तहजीबों का मिलाप है जी, और इस मुल्क इस वक्त ये कई मुल्कों में बटी हुई है. यानी अगर आप देखें तो गंधारा जो है, बामियान जो है, वो गंधारा का हिस्सा है जी. और जो है जो और चार सदा और टेक्सला, ये इसके डॉक्टर तरार, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, डॉक्टर तरार, मे आई रिक्वेस्ट यू टू लॉग बैक इन. जी भी मर सर. I'm sorry that अभी भी हम लोग उस सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं कि जहाँ पे जो बेसिक्स हैं, अभी वी लैक दैट. हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स की तरफ जा रहे हैं और पूरी दुनिया अब सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स पे डिपेंड कर रही है, और ये अक्सर हम लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है. इवन जब हमारे स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट हो रहे होते हैं तो कैसे कनेक्ट किया जाए, क्या किया जाए. और एक तरीके से बड़ी दिली खुशी हुई कि चलिए, हमारे नेबरहुड में भी ये प्रॉब्लम है, सिर्फ हमारी नहीं है. तो बहरहाल, आई होप दैट ही कनेक्ट्स सून विद अस. यस, आई थिंक ही इज आल्सो इन रावलपिंडी, सो और ही इज अ लिटिल आउटसाइड ऑफ रावलपिंडी, सो मे बी दैट्स व्हाई देयर आर सम कनेक्टिविटी issues there. While he tries to connect, that have been found. So we will
Can you hear me, sir? Now I can hear you. Yeah, your voice had also gone. I can okay. hear you. Okay. You know what we should discuss before he comes here is that one of the importance of Gandhara region is that it is the cradle of the Buddhism, you can say. Jahan pe bade important viharas and stupas wahan pe located hain aur jo ek tarike se jaise bhi Dr. Tarar ne khud bataya ke aaj ki tareekh mein bhi Hindustan se zyada agar Buddhism ke manne wale is subcontinent pe hain to they are concentrated in this Takshila region. Now, as you can see that this is one of the oldest of the stupas at Takshila, which has been excavated. Sir John Marshall was one of those archaeologists related with the Archaeological Survey of India, jinhone Takshila ke excavations karwaye the. Zahir hai ke Sir John Marshall ke period mein वो साइंटिफिक मेथड अभी फायदे से नहीं डेवलप हुआ था लेकिन एक तरीके से सर जॉन मार्शल वाज़ द फर्स्ट जो एक तरीके से थोड़ा बहुत साइंटिफिकली इन एक्सकैवेशंस को जिन्होंने करवाया था और सर्वेस किए थे एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट यू नो फाइंड्स इन दिस रीजन वाज द साइट्स ऑफ सिरसो and Bhir. And it was at Bhir that most of the Buddhist remains had been discovered. Bhir se kafi aapko residential structures bhi mile the. Sirf stupa aur vihara nahi mila tha. Balki ye information bhi Sir John Marshall ne apne report pe di thi ke kis type ke wahan ke upar rehaishi ghar the. किस टाइप की वेल लेड आउट यू नो टाउनशिप थी जहां के ऊपर यू नो ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड्स था जहां के ऊपर यू नो कैसे सड़क के साइड में बिल्कुल जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा में शुरू में आपको मिलता है कि लेन्स बाय लेन्स जो मेन सड़कें थी उनसे हट के वो रिहायशी रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स सम ऑफ दी स्ट्रक्चर्स विच वर लोकेटेड हेयर हैड मल्टीपल्स ऑफ कोर्टयार्ड और पहली बार यहीं से पता चला था कि वन ऑफ दी ओल्डेस्ट टाइप ऑफ प्लान जो हिंदुस्तान की सब कॉन्टिनेंट में डेवलप किया और आज तक वो चला आ रहा है जिसको हम लोग चतुःशाला प्लान कहते हैं यानी अ प्लान वेयर देर इज अ सेंट्रली लोकेटेड कोर्टयार्ड और अराउंड विच are arranged a series of rooms jo aapke dhoop ko aur hawa ko regulate kar sakte hain aur pure ghar ko wo ek residential area mein tabdeel kar sakte hain that we start getting from the excavations which were done by Sir John Marshall welcome back Nadeem I hope that now it is correct जी जी आई एम देयर मैं बीच में फिल अप करने की कोशिश कर रहा था नहीं नहीं आप प्लीज जाने क्या क्या नहीं नहीं नॉट एट ऑल जी जी अच्छा आई मीन समथिंग अबाउट दिस थिंग द यू नो एजुकेशन सिस्टम एट तक्षशिला जो वी नो के सबसे पुराना एक तरीके से जिसको आप अपनी जबान में मदरसा कह सकते हैं एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो तक्षशिला में लोकेटेड था और जहां के ऊपर बहुत से स्कॉलर्स थे एंशियंट इंडिया के जिन्होंने कंट्रीब्यूशंस दिए फॉर एग्जांपल पाणिनि भी वहीं से बिलोंग करता है और वहां पे उसके काफी उसके काम होता है साइंस पे काम होता है बुद्धिज्म के टेक्स्ट यहाँ तक के महाभारत एज आई सेड पहली बार जो पढ़ी जाती है वो इसी रीजन में पढ़ी जाती है तो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट जी अच्छा देखें अगेन ये दिलचस्प बात यह है कि टेक्सला यूनिवर्सिटी जो है
ये भी इस गंधारा के इलाके में बुद्धिज्म के आमद से पहले की एक कह लें कि एक इदारा है। अच्छा, और इसके बारे में मुझे एक ऐसा एक बात याद आ रही है कि जो सिकंदर के जो उसके साथी थे, उन्होंने जब सिकंदर 326 कबले मसीह में यहाँ पे आया, तो उसने जब वो कहते हैं कि जब टेक्सला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से और स्टूडेंट से जब इन ग्रीक लोगों ने बात की, तो वो ये कहते हैं कि उनको बहुत ताज्जुब हुआ कि जो हमारे यहाँ जो निज़ाम तालीम है वो उससे ये बेहतर निज़ाम तालीम है। यानी कि उस वक्त यानी सिकंदर के जो सिपाही जो थे आलिम और उनके साथ जो पूरा आपको पता है कि मौरख भी आए और हर तरह पादरी भी आए और हर तरह के लोग आर्किटेक्ट्स आए और कौन लोग नहीं आए, तो पूरी की पूरी जो कह लीजिए कि एक तहजीबी बर्तरी का एहसास वो था कि ये एक कदीम ये जो तहजीब है ये हमसे किसी तौर पर कम नहीं है। यानी उनका इनको ये नहीं कहा कि ये क्या पढ़ रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं, हम तो बहुत ही सुकरात और अरस्तु जो हमारे उस्ताद हैं और उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। अच्छा, तो दूसरा एक ये समझा जाता है कि जी टेक्सला यूनिवर्सिटी जो थी गोया के मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट थी, यानी पादरी यानी बुद्धिस्ट प्रीस्ट की ट्रेनिंग, तो ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली नदीम भाई यही जानना चाह रहा था कि वो सिर्फ मोनेस्टिक एजुकेशन थी या उसमें जो इम्पैक्ट था ईस्ट वेस्ट के मिलाप का, जो कल्चरल रिलेशंस जो वेस्ट से जो हिंदुस्तान की तरफ कायम हो रहे थे उसका भी कोई असर नजर आ रहा था कुछ, या सिर्फ एजुकेशन थी? नहीं, मोनेस्टिक तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उसका एक शायद एक हिस्सा होगा कि जो बुद्धिस्ट प्रीस्ट है। देखें, अब बुद्धा का जो मालिज था वो टेक्सला यूनिवर्सिटी का उस्ताद था, ठीक है। तो यानी जब बुद्धा जिंदा था तो उस वक्त भी टेक्सला यूनिवर्सिटी कायम और दायम थी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक बहुत ही नामवर, जिसके बारे में तारीखी शवायद मौजूद हैं कि वो उसने बिहार से उसको लाया गया यहाँ के ऊपर चांकिया कोटिया लेके आया और उसने उसकी यहाँ 18-19 साल उसकी तरबियत की। तो यहाँ बेसिकली जो टेक्सला यूनिवर्सिटी थी ये शहजादों की भी तालीम का था। अब आप देख लें जैसे कोटलिया चांकिया की जो किताब है अर्थशास्त्रा वो बुद्धिस्ट के लिए तो नहीं है, वो तो कह लें कि ये पॉलिटिकल पावर प्ले के हवाले से है, वो तो मिरर ऑफ प्रिंसेस जैसी कह लीजिए कि वो एक किताब है, ठीक है। अच्छा, अब कहने का मकसद यह है कि इसी तरह जो जैसे मैंने मालिज का जिक्र किया तो तिब की तालीम, अच्छा इसी तरह प्रिंसेस के लिए जो है वो एक जो मिलिट्री जो एक एजुकेशन होती थी तीरंदाजी है या जो भी उस जमाने की जो वॉरफेयर मिलिट्री वॉरफेयर के जो भी उसलूब थे वो सारे यहाँ सिखाए जाते थे। तो और इसकी तादाद कहते मतलब हजारों में 10,000 भी बताया जाता है कि यहाँ पर तादाद थी। अच्छा, अब मजे की बात यह है या दुख की बात यह है कि आज टेक्सला यूनिवर्सिटी के कोई उस तरह के आसार नहीं मिलते जैसे आपके नालंदा के हैं और नालंदा यूनिवर्सिटी कायम हो गई। अब जो करीब तरीन जो लोग ये कहते हैं कि वो जी जूलिया जो है, अब जूलिया तो एक मोनेस्ट्री है, मैं तो ये नहीं मानता ये जूलिया जो है ये कि टेक्सला यूनिवर्सिटी यहाँ पे हो सकती है क्योंकि वो तो मोनेस्ट्री है, वहां तो मॉन्क्स रहते थे। अच्छा, तो कहने का मकसद यह है कि ये इसकी कोई निशानी अभी कायम नहीं है कि आप कर सके, और ये भी जरूरी नहीं है कि सब लोग एक ही जगह रहते हों। यानी कहने का मकसद कि जो पहाड़ी इलाका है उसके अंदर तो वो अशराफ में फैले हुए हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये एक अफसोस की बात यह है कि जैसे आप जिक्र कर रहे थे, मैंने कुछ सुना आपने दर जॉन मार्शल का जिक्र किया जिसने 1914 से 1934 के दरमियान यहाँ खुदाइयाँ की। अच्छा, अब अफसोस की बात यह है कि इन यानी ये जो कॉलोनियल सॉर्ट ऑफ एक्सकवेशन थी, यकीनन उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद भी हमारे आर्कियोलॉजिस्टों ने ये वो कुछ ना कुछ उस काम को जारी रखा, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि 1970 की तकरीबन दिहाई में यहाँ पर ये फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हो गई, ठीक है। अच्छा, अब जब यहाँ फैक्ट्रियाँ लग रही थी और वो बेशक वो मिलिट्री हार्डवेयर बना रहे थे या जो भी कर रहे थे, लेकिन बहरहाल वो सेंसिटिव फैक्ट्रियाँ हैं, उसके NOCs हैं, परमिट हैं, उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई ये जो टेक्सला जो है ये तो कदीम तहजीबों का मरकज है।
अगर इसके ऊपर ये फैक्ट्रियां बन जाएंगी तो हजारों एकड़ जो है वो तो उन फैक्ट्रियों की नजर हो जाएगा, तो उसके बाद तो फैक्ट्री में तो आप आर्कियोलॉजिस्ट जाके वहां काम नहीं कर सकते। तो नतीजा ये हुआ कि 70 की दिहाई के बाद इस सारे इलाके के अंदर इतने बड़ी तादाद के अंदर ये कह लें कि ये कारखाने बने कि जिनके नतीजे में ये सारी की सारी कह लें कि बहुत ज्यादा जो ये हेरिटेज साइट डिस्ट्रॉट हो गई। इनके दरमियान जो लिंकेजेस थे, चाहे वो पुराने रास्ते थे या वो पुराने नदी नाले थे, वो कदीम रास्ते भी अब फैक्ट्रियों के बीच में आ गए, उनके बड़ी बड़ी दीवारें बन गई, कोई अंदर जा नहीं सकता, अंदर अगर कोई मकामात थे तो उनकी कभी निशानदेही नहीं हो सकी। तो इस वक्त हाल यह है कि इसके बावजूद कि ये टेक्सला जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, ये पाकिस्तान का वाहिद वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कि जो सिर्फ एक साइट नहीं है। देखें पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पेशावर में भी हैं, सवात में भी हैं, लाहौर में क्या है, एक एक शालीमार बाग है और एक आपके पास ये शाही किला है। जबकि टेक्सला की आप खुशकिस्मती और बदकिस्मती है कि ये पूरा शहर जो 30 किलोमीटर पे फैला हुआ है इसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बता दिया उन्होंने। 1980 में ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बन गया। आज तक 1980 से लेकर 2000 तक कितने साल गुजर गए, आप इस शहर के आगे गुजर जाएं आपको पता ही नहीं चलता कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं या ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। किसी किस्म की सिटी ब्रांडिंग नहीं है, किसी किस्म में टेंशन नहीं है, इतनी ज्यादा रोड पे ट्रैफिक है, टूरिस्ट भी आ जाए तो उनका दिमाग खराब हो जाता है कि हम किधर आ गए। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि उसके बावजूद यानी इस मतलब बदकिस्मती है ना ये कि आपके पास जब इतना कीमती कल्चर हेरिटेज हो और फिर हम ये कॉमन प्लेस टू से कि जी तमाम बुद्ध, देखें ये एक आपको शायद ये भी इल्म होगा मगर मुझे आप इजाजत दें कि क्या अहमियत है गंधारा की मजहबी एतबार से बुद्धिज्म के लिए। देखिए ये इलाके वो हैं सवात और टेक्सला और पेशावर, ये इलाके ये हैं कि जहां से चीन का जापान के अंदर और कोरिया के अंदर जो बुद्धिज्म की जो जो है विजयाना बुद्धिज्म और हिनायाना बुद्धिज्म, ये यहां से टेक्सला के जो लिखारी थे जो आलिम थे उन्होंने वो वहां जाकर या उनके जो मखतूतात थे उनकी ट्रांसलेशन करके तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स और इसके अलावा मोनेस्टिक रूल्स की एस्टेब्लिशमेंट के रूल्स और बहुत तर्ज की असनाफ जो थी उनके तराजम हुए इन चाइनीज जबानों में, जापनी जबानों में, कोरियन जबानों में। क्योंकि जैसे आपको पता है कि जो चीनी स्याह यहाँ पे आते रहे हैं 6th century में और 4th century में, वो लोग क्या कर रहे थे, वो इसलिए आए थे कि वहाँ चाइना के अंदर जो उनके पास जो किताबें थी जिसके अंदर के जी एक मोनेस्ट्री को कैसे होना चाहिए, बॉन्क को क्या करना चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ के अटेनमेंट के क्या रूल्स हैं, ये सारी एक कह लीजिए कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो थे उनके ओरिजिनल सोर्सेज को वो टैप करने आए थे। तो शायद आपको पता होगा कि एक चाइनीज स्याह जो है वो सैकड़ों किताबें जो यहाँ की प्राकृत में थी या ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थी या और जो एंशियंट लैंग्वेजेस थी वो उन पर मुश्तमिल वो लेके गया, वो चाइना में गालिबन आज भी वहां पर कहीं ना कहीं उनके वो होंगी क्योंकि उनके लिए तो एक मजहबी किताब है। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान के नेबरहुड के अंदर चाइना के अंदर तकरीबन 25 करोड़ से ऊपर बुद्धिस्ट हैं। इस वक्त थाईलैंड से ज्यादा जो है टॉप के ऊपर जो कह लो कि जो बुद्धिस्ट टूरिज्म है वो चाइना में हो रहा है फॉर द ग्लोबल बुद्धिस्ट कम्युनिटी। अच्छा वो पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल चाइना के बराबर में बैठा हुआ है, कई कहते हैं गोद में बैठा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बदकिस्मती आप ये देख लें कि गंधारा की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अदम तवज्जो है इसकी वजह कोई एक्टिव प्रोसिक्यूशन नहीं है। देखिए मैं आपको ये बिल्कुल यकीन से आपको कह सकता हूँ, मैं 2.5 साल से यहाँ टेक्सला में बैठ के हमने यहाँ बुद्धिस्ट प्रेयर सेरेमनीज कराई, हमने बमाला स्तूपा वहाँ पे बुद्धिस्ट प्रेयर सेरेमनी कराई, बुद्धिस्ट ने आके की, बाहर से बुद्धिस्ट आए थे। इसी तरह से हमने एक कह लीजिए कि इधर तस्वीरें भी हैं कि जिसके अंदर हमने कह लीजिए कि और एक्टिविटीज की। अब हम टेक्सला में कर रहे हैं, यहाँ मिलिट्री प्रेजेंस भी है, यहाँ सारा कुछ है, उसके बावजूद आप यकीन कीजिए कि हमें तमाम एजेंसियों ने NOCs दिए, हमें तमाम लोगों ने वेलकम कहा। मुझे नहीं पता कि किसी ने मुझे कहा हो कि भाई ये तुम गंधारा बुद्धिज्म का प्रचार पाकिस्तान में क्यों कर रहे हो, ये तो इस्लामी मुल्क है। ये है लेवल ऑफ टॉलरेंस। अब बदकिस्मती क्या होती है, बदकिस्मती ये होती है कि कोई एक जाहिल आदमी गांव के अंदर वो उसको कोई बुद्धा का पीस मिल जाता है तो उसकी तोड़ फोड़ कर देता है और उसकी जहालत की नजर पूरा मुल्क हो जाता है, पूरा समाज हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसलिए समझता हूँ कि हमें
ہمیں ہندوستان اور پاکستان دونوں کے تناظر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں جو ہماری جو کوتاہیاں ہیں نا ان کو زیادہ اچھالنی چاہیے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر ایک قسم کا جیسے وہ آشیش نندی کہتے ہیں نا کہ یہ آپ مطلب یو نو آپ یہ کیا کر رہے ہیں یار, یو آر ہیٹنگ یور سیلف. یہ سیلف ہیٹریڈ جو ہے یہ کلونیل ڈیزیز ہے جو ہم نے انہیرٹ کی ہے. ٹھیک ہے, جہاں بری چیزیں ہیں وہاں اچھی چیزیں بھی ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اب اپنے یعنی اپنی تہذیب کے ورثے کو اس سے غارت کر دیں کہ کچھ جاہل لوگ جو ہیں وہ اس اپنی جہالت کی نظر کر رہے ہیں. وہ بالکل بالکل ڈاکٹر ترار آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور کہ چند لوگوں کے ایکٹیویٹیز کو ہم لوگ بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اور اس سے دنیا کو یہ میسج جاتا ہے کہ جیسے ہر چیز خراب ہو رہی ہے. یہ پاکستان میں بھی ٹرو ہے اور ہندوستان کے لیے بھی بالکل ایسے ہی ہے, یا وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی یہ ہوا. آپ کے اپنی گفتگو میں ایک دو زبانوں کا یا اسکرپٹ کا ذکر کیا, پراکرت کا کیا اور برہمی کا کیا, اور جہاں تک مجھے واقفیت ہے جو آپ جو گندھارا میں اس وقت کام کر رہے ہیں آپ تو شاید کچھ ایک آدھ پروگرام پراکرت کے اوپر بھی کیے ہیں, تو کیا اس زبان کو آپ لوگ ریوائو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس اسکرپٹ کو جو تاکہ نئی جنریشن ان ٹیکسٹ کو پڑھ پائے, یا کس ٹائپ کا کام پراکرت میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں ذرا سا بتا دیں. جی اچھا, اس میں ایک بڑی سر دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ہمارے مقرر تھے اس روز ضیاء الدین جو گندھارا ہند کو اکیڈمی کے وہ سیکرٹری جنرل ہیں, تو انہوں نے ان کی آرگومنٹ یہ تھی کہ جو فونیٹک ساؤنڈ جو ہیں جو پراکرت میں ہیں اور وہ پراکرت زبان کو پڑھ کے اس کی ساؤنڈ کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں. ٹھیک, انہوں نے کہا کہ یہی ساؤنڈ جو ہیں یہ آج کی موجودہ پاکستان کی جو ہند کو زبان ہے اس کے اندر بھی ہیں. اچھا, اب انہوں نے یہ کیا کہ ٹیکسلا کی ایک قدیم انسکرپشن سم لیٹس سے 200 بی سی اور سم تھنگ, اس کو انہوں نے پڑھا جو پراکرت زبان میں تھی, اور جب ہم نے سنا تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے وہ ہند کو بول رہے ہیں. اچھا, اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اور بھی اسکالرز کہتے ہیں ہندوستان میں بھی کہ دیکھیے زبان اور اسکرپٹ دو الگ الگ چیزیں ہیں. زبان از اے سسٹم آف ساؤنڈز, اسکرپٹ از سم تھنگ ایلس. اب پنجابی کو دیکھ لیں, ایک اب وہ ایک اسکرپٹ ہے, ہم ہندوستان میں اور اسکرپٹ ہے, ہمارے اور اسکرپٹ ہے. جب بولتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں ایک دوسرے کے بعد, جب پڑھتے ہیں تو پڑھ نہیں سکتے. اچھا, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا یہ تھا کہ جو آج کی ہمارے اس ورثے کو, دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی یہاں پہ چلتے چلتے ایک بات کروں کہ لاک ووڈ کپلنگ جو کتاب کا ذکر کر رہے تھے, وہ کلونیلزم آرٹ ایجوکیشن والی جو کتاب ہے جو اینتھم والے چھاپ رہے ہیں, اس کے اندر بھی میں نے کچھ, وہ چونکہ وہ تو ایک مختلف موضوع ہے لیکن اس میں ایک بڑی دلچسپ چیز ایک آپ کو اینکڈوٹ شیئر کروں, وہ یہ تھا کہ لاک ووڈ کپلنگ جو ہے وہ گندھارا کی جو کلیکشن تھی جو لاہور میوزیم میں, اس کا وہ بہت کہہ لی کہ بڑا اس کا نکات تھا اور بہت پسند تھی اس کو. اب اس اپنے اس آرٹیکل کے اندر ایک جگہ وہ لکھتا ہے کہ جس کو میں اس طرح سے بیان کروں انگریزی میں تو کی بجائے اردو میں, جس میں وہ ایسے کہتا ہے کہ یہ جو تہذیب ہے جو گندھارا کی, اٹ ہیز لیفٹ نو ٹریسز ان انڈیا. ٹھیک ہے, اب یہ بات کر رہا ہے آپ یوں کہہ لیجئے کہ 1890 میں, 80-90 کی بات کریں, 80-85-86. اب وہ کہہ رہا ہے کہ دس ہیز لیفٹ نو ٹریسز ان انڈیا, اور یہ جو ایگزیبٹس یہاں میوزیم میں پڑے ہیں ان کو جب لوگ دیکھنے آتے ہیں تو ان لوگوں کو وہ اتنے ہی کلچرلی ریموٹ نظر آتے ہیں جتنے ویٹیکن کے جو ایگزیبٹس ہوں گے وہ کسی فرض کریں کہ آئرلینڈ میں کسی کے لیے ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا اب میں یہ حیران ہو گیا کہ یار دیکھو کہ یہ 1890 میں یہ بات کر رہا ہے, جب چٹاگونگ جہاں یہ کلکتے میں تو بہت جاتے تھے, چٹاگونگ ہل ڈسٹرکٹ کے اندر تو یہ سارے چکما ٹرائب بیٹھا ہوا علاقوں کی تعداد میں, تو اس کو یہ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کلچرلی آج بھی آزاد کشمیر کے اندر شاید, اور سندھ میں تو پاکستان کے 100% یہاں بدھسٹ موجود ہیں. ٹھیک ہے, جو جن لوگوں سے میں نے بات بھی کی ہے, تو آج سے 100 سال پہلے تو اس ہمارے خطے میں آپ کا خیال ہے کہ بدھزم جو تھا وہ موجود تو نہیں ہو گیا تھا, لیکن انگریزوں نے اور کپلنگ صاحب نے اس کو ایسے پیش کیا کہ جیسے کہ اس ورثے کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو پراکرت کی ہندکوں کی مثال دے کے بات کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ورثہ جو ہے یہ مرا نہیں ہے, ہم اس کو پراپر طریقے سے دیکھ نہیں رہے اس کو ریجنریٹ کرنے کے لیے.
ठीक है। अच्छा अब आप ये अंदाजा करें कि ये जितनी जातका टेल्स हैं, अब ये जितनी जो आप जानते हैं जो जातका टेल जो सारी बुद्धिस्ट लिटरेचर उससे भरा हुआ है, और ये जातका टेल जो हैं आपकी जो अजंता केव्स हैं उसके अंदर सब जो केव पेंटिंग्स हैं वो जातका टेल्स की हैं। अब जब जातका टेल्स में इस गंधारा के इन मकामात का जिक्र है जहां बुद्धिस्ट जो है उसने मुख्तलिफ रूप के अंदर जिंदगी गुजारी, यानी जिसको स्कॉलर्स कहते हैं कि बुद्धिज्म को गंधारा में लोकलाइज करने के लिए जातका टेल्स के अंदर भी यहाँ के मकामात इंक्लूडिंग टेक्सला शहर का जिक्र है। एक पूरी जातका कहानी है कि जो कि टेक्सला का किंग ऑफ टेक्सला के हवाले से वो है कि एक वो एक लंबी कहानी। इन एनी केस सो मेरा कहने का मकसद यह है कि ये जो गंधारा का या जो तहजीबी वरसा है वो देखने में तो ऐसा लगता है कि वो म्यूजियमाइज्ड है, लेकिन जब आप उसको पॉपुलर कल्चर के अंदर अभी जैसे प्राकृत और हिंदकों की मैंने आपको बात की, फॉर हिंदको स्पीकर अगर वो प्राकृत कोई बोले तो वो सुन के समझ लेगा एटलीस्ट कि ये क्या कह रहा है, पूरी तरह उसका मतलब ना भी वाजे हो लेकिन चार अल्फाज उसके कान में पड़ जाएंगे, पुत्र वो उसमें पुत्र जैसे आप पुत्र कहते हैं बेटा उधर भी पुत्र लफ्ज है, इस तरह के और भी कई सारे अल्फाज हैं जिससे मानी आई। तो कहने का मकसद यह है कि चूंकि हमने हमारा जो कह लो कि जो आर्कियोलॉजिकल जो व्यू है हिस्ट्री का जिसके नतीजे में हमने आज भी देखें ये कितनी अजीब बात है मुझे समझ से बाहर है कि आज भी हमारे यहाँ लिखा होता है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, ठीक है, आसारे कदीमा, ये लफ्ज एक काबिले एतराज लफ्ज है। अगर हम एक कल्चर को लफ्जों में ही हमने उसको मार दिया है कि आसारे कदीमा कि ये कदीमों के कदामत के सिर्फ आसार हैं, आसार के अलावा कुछ नहीं है, देखें शवाहिद भी नहीं है, ये तो आसार हैं, आसार तो आसेब के भी हो सकते हैं, आसेब रियल तो नहीं होता। तो मैंने कहने का मकसद यह है कि इसको इतना कह लीजिए कि इतना कल्चरली रिमोट कर दिया है हमने कि जो भी इवन बहसियत मुसलमान आप मुसलमान हैं तो हिंद को स्पीकर हैं तो प्राकृत से आपका ताल्लुक है तो वो क्या आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, वो तो कल्चर की बात है जबान की बात है उससे उसका आपके अकायद का तो उससे ताल्लुक नहीं है। अब हम लोग जब ये कल्चरल प्रिजर्वेशन की यहाँ बात करते हैं लोगों को कहते हैं कि इन बुतों को ना तोड़ो तो हम उनको ये तो नहीं कहते कि घर ले जाके हम ये बुतों को पूछते हैं, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि भाई ये किसी के लिए मुकद्दस चीज है उसके लिए बचा के रखो, और कल को वो लोग आएंगे तो वो तुम्हारी जो अकायद हैं और तुम्हारे जो मजहब के मकामात हैं उनकी वो प्रोटेक्शन करेंगे, आप एक रेसिप्रोकल बेसिस पे करो, आप अपने लिए नहीं कर रहे, ठीक है। और मुझे यकीन करें कि मैं आपको हकीकत से कहता हूँ कि मेरा तो अभी हमारे सेंटर में जो हमारी हमने यहाँ पे सिरकप पे गंधारा चौपाल किया, आज मुझे वहां से उठ के भागना पड़ा तो कहने का मकसद यह है कि वहां के ऊपर आम लोग आते हैं, मेरा मकसद है कि जो टेक्सला के शहर के कोई रिटायर्ड इंजीनियर है कोई फला है कोई है कोई हर तरह के लोग हैं और हम यही बातें करते हैं, और मुझे तो कभी किसी ने नहीं कहा कि नहीं जी ये तो इस्लाम के खिलाफ है। तो मैं नदीम साहब जो आप सही कह रहे हैं जबरदस्त जरा सा एक बीच में थोड़ा सा ये बताते चलिए कि जो आपने ये चौपाल का जिक्र किया जी सर, जो मैंने आपकी कुछ फोटोग्राफ्स भी उस पर देखी है कि जहां आप लोग बाहर एक सब एक गोल दायरे में बैठ जाते हैं और कुछ होता है उसमें, तो जरा सा गांधारा चौपाल क्या है उसको जरा सा एक्सप्लेन कर दीजिए आप। देखिये जैसे कि हमारे मतलब इलाके में पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी चौपाल का यही तस्वुर है कि दही जिंदगी में आप के बाद अपने काम से फारिग होके तो आप एक कलेक्टिव पब्लिक प्लेस पे बैठ कर अपने वो यहाँ पे भी यही है जी जी बिल्कुल। अच्छा अब मैं ये सोचता रहा बहुत अच्छे से कि देखें जो जो हमारी अर्बन प्लानिंग है ना जो सिटी प्लानिंग हुई है उसके अंदर ये हुआ है कि उसके अंदर से ये जो चौपाल का जो इंस्टीट्यूशन था वो एलिमिनेट हो गया। अच्छा अब इसकी जो करीब तरीन अर्बन प्लानिंग में शक्ल बनती है वेस्ट के हिसाब से वो है कम्युनिटी सेंटर जी। अच्छा अब ये है कि अब इस्लामाबाद देख लें या लाहौर देख लें या दिल्ली देख लें कम्युनिटी सेंटर एक आदि होगा कहीं अगर होगा ऐन मुमकिन है वो किसी एक जमात का कम्युनिटी सेंटर हो किसी एक मजहब का हो किसी सियासी पार्टी का हो लेकिन वो एक ऐसा कम्युनिटी सेंटर नहीं है कि जो चौपाल का मुतबादल है। तो हमने अपनी नतीजा ये हुआ कि ये जो अर्बन एनोनिमिटी है कि आपके हमसाए में एक बंदा 10 साल रह के चला जाता है आपको पता नहीं होता ये कौन है, ठीक है, ये चीज है ये कैसे दूर होगी। तो हमने एक तजर्बा ये किया था कि इस्लामाबाद में कुछ 3-4 साल तक हमने एक पब्लिक पार्क के अंदर हमने बैठक करनी शुरू कर दी, उसका नाम इस्लामाबाद चौपाल रख दिया, लोग बैठते थे। आप यकीन करें कि अगर आप उसकी तस्वीर देखें
تو سینکڑوں لوگ اس سے مستفید ہوئے, کوئی ینگ اولڈ, کبھی ہم کسی افسر کو بلا لیتے تھے, کبھی کسی وزیر کو بلا لیتے تھے, کسی پروفیسر کو, کبھی ہم نے یہاں پہ پیر کو ایک بلا لیا. مطلب آپ سوچے کہ ہر اتوار کو ہم ملتے تھے, اور اس سے کیا ہوا کہ ایک نئی کمیونٹی پیدا ہوئی, ٹھیک ہے. اور اکراس کلاسز میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں, بس صرف مسلمان, میں کہتا ہوں دیکھو کسی اجنبی کو اپنا وقت دینا نا, یہ آپ کے لیے آپ کی وقت کی زکات ہے, کیونکہ زکات قیمتی چیز کی دی جاتی ہے, وقت بھی قیمتی ہوتا ہے. جب آپ کسی اجنبی کو وقت دیتے ہو تو آپ ایک فلاح کے لیے کرتے ہو نا, فور دا گڈ آف ہیومینٹی کرتے ہو, یا اللہ کے لیے کرتے ہو, یا جس بھگوان کے لیے کرتے ہو, اپنی ذات کے لیے تو نہیں کرتے. تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ اجنبی ہو تو کوئی آپ سے ڈھنگ سے بات نہیں کرے گا. اچھا, اب یہ ہوتا ہے ہمارے چوپال میں, اسلام آباد میں یہ ہوتا رہا کہ ہر ہفتے یقین کریں بالکل اجنبی آتے تھے. وہ اس کو ہم کہتے, میں نے اس کو موٹو بھی رکھا کہ ٹرننگ اسٹرینجرز انٹو فرینڈس, ٹھیک ہے. اجنبی لوگوں سے ملو یار, ان کا دکھ درد بانٹو, اپنے دوستوں کو, رشتے داروں کو, بچوں کو, کالیگس کے آپ چمٹے رہتے ہیں, اور اجنبی وہاں آپ جو ڈسکشن کرتے ہیں وہ صرف آپس میں ڈسکشن ہوتا ہے, دوستی ہوتی ہے, یا تھوڑا سا گندھارا کے بارے میں ذکر ہوتا ہے. سر اس کے اندر پھر جب یہ جو گندھارا چوپال ہے یہ اسی طرز پر اسی طرح سے چل رہا ہے کہ اس کے اندر پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم دو گھنٹے کے لیے ملتے ہیں, پہلے جو آدھ پون گھنٹہ ہوتا ہے اس کے اندر ہم آپس میں بول چال کرتے ہیں, یعنی جب ہم سب آپ کیا کر رہے ہیں, کیا مسئلہ, جو بھی ایک جیسے ایک بیٹھک میں بول چال ہوتی ہے تو وہ بول چال کرتے ہیں. تو آدھ پونے گھنٹے کے بعد ہم نے ہر ہفتے کو ایک اسپیکر کو بلایا ہوتا ہے, تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی وہ اسپیکر بھی آگے بیٹھ چکا ہوتا ہے, لوگوں کی نشست بھی پوری ہو جاتی ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا ابھی ایک سرکل میں سارے اپنا تعارف کرائیں, تو ہر بندہ بتاتا ہے کہ میں یہ ہوں, میں یہ کرتا ہوں, تو سب ایک دوسرے سے واقف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم اسپیکر کو کہتے ہیں کہ آپ موضوع پہ بات کریں. تو جیسے ابھی پچھلے دو تین چوپال جو ہم نے ادھر سرکپ پر کی, جو کہ گریک سٹی ہے, اس کے گیٹ پہ, اب آپ اندازہ کریں کہ وہاں پہ 30-35 لوگ تو ایسے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ لوگ آتے ہیں, ہم نے وہاں دریاں بچھائی ہوئی ہیں, وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں, پانی کا کولر رکھا ہوا ہے, کوئی اور اس طرح کی چیز رکھی ہے, چلو جی بیٹھو اور اپنا گپ شپ مارو, لوگوں سے ملو, اور وہ اسپیکر جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے, اور وہ اس کے بعد پھر سوال جواب ہوتا ہے, پھر ہم گروپ فوٹو کرتے ہیں, پھر اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ لوگوں کی ایک تو ان کو ایک بڑا کتھارٹک افیکٹ بھی ہوتا ہے کہ ان کو کبھی بولنے کا موقع نہیں ملتا, بات کرنے کا موقع نہیں ملتا, کبھی کوئی بڑا آدمی بھی آ جاتا ہے, کبھی ہم آرکیولوجی والوں کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ بھی آئیں اور سنیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں, یا کیا مسائل ہیں سائٹس کے, کوئی ان کے چوکی دار بھی بیٹھ گئے, فلاں بیٹھ گئے, تو یہ اس طرح سے کمیونٹی بنتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چوپال ہے اس کو ہمیں ریوائیو کرنا چاہیے, اس سے ایک یہ جو ساری کمیونل اور یو نو جو ہیٹرڈ جنریٹ ہوتی ہے وہ صرف ایسی ہوتی ہے کہ آپ اپنے اپنے محلوں میں بیٹھے ہیں, اپنے اپنے اس میں باغیچے میں بیٹھے ہیں, دوسرے پر نشانے تاک رہے ہیں. یہ جو اس وقت آپ کی ایک کھینچی ہوئی فوٹوگراف ہم لوگوں کے سامنے, دو فوٹوگرافس ہیں جس میں ایک بھکشو جو ہے وہ آپ اس کو آئی تھنک وہ چیف گیسٹ ہے آپ کا, جی 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 جی, تو آئی تھنک اس ٹائپ کے امیجز جو ہیں بہت پاورفل ہوتے ہیں, جو یہ دکھاتے ہیں کہ جو پاپولر پرسپشن ہیں ان سے ریالٹیز بہت جدا ہیں. تو کیا اس پورے انسیڈنٹ کے بارے میں جو یہاں دکھایا گیا ہے ذرا سی روشنی ڈالیں گے آپ اس کے بارے میں؟ اچھا, یہ جو ایونٹ تھا نا, یہ جو آپ کو پتا ہے کہ یہ بدھا کا جو عالمی دن ہے جس کو ویساکھ ڈے کہتے ہیں, وہ مئی میں آتا ہے. یہ وہ بدھا کے عالمی دن کے اوپر ہم نے دھرما راجی کا اسٹوپا پہ یہ بدھسٹ پریئر سیرمنی کی, اور جب یہ ہمارے جو یہ جو صاحب ہیں یہ سری لنکن بدھسٹ ہیں, اور یہ آئے خصوصی طور پر سری لنکن امبیسی کے مہمان تھے, اور یہ جو ہمارے ایک مصور تھے رومی صاحب, انہوں نے بدھا کو پینٹ کیا, اور وہ ہم نے ان کو جب تقریب کے اختتام پر ہم نے ان کو یہ پیش کیا, اور وہ یہ جان کے ان کو بہت خوشی ہوئی. اچھا, اب آپ اس سے میں ایک بات یاد کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس پرٹیکولر ایونٹ کے اوپر ہمارے جو ٹوریزم منسٹر ہے وہ آئے, ہماری جتنی بھی اخباریں ہیں ان سب میں نمایاں اس کو جگہ دی گئی, ٹھیک ہے. اور اب میں حیران ہو گیا, آپ یقین نہیں کریں گے, بالکل بیابان جگہ ہے دھرما راجی کا استوپا جو ہے, کم از کم 100-150 لوگ آئے. اچھا, اور بائی دا وے یہ جو بیچ کے اندر یہ جو مونگ کے پیچھے جو خاتون ایک ہاتھ باندھ کے چل رہی ہیں, یہ خاتون جو ہیں یہ راجا تریدیو روئے کی بیٹی ہیں. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. ان کو بھی ہم نے اب کیونکہ ان کو بھی ہم نے کہا کہ بھائی آپ کو بھی تھوڑا اپنا جیسے بھی آپ اپنا رول پلے کرنا چاہیں آپ کریں,
तो कहने का मकसद ये है कि ये जो परसेप्शन है इस मामले में, जैसे मैं पहले अर्ज किया कि हमेशा हर बंदे ने वहां मुसलमान भी थे बहुत, मसलन श्रीलंकन एम्बेसडर जो थे नूरुद्दीन शहीद वो इत्तफाक से मुसलमान थे। अच्छा जब उनको बुलाया तो उन्होंने वो आ तो गए और इनको भी ले आए, लेकिन एक पॉइंट पे आके उन्होंने कहा कि आई एम मुस्लिम तो मैं ये रिचुअल नहीं करूंगा। अब मुझे उस टाइम सही अंदाजा नहीं था बट इन एनी केस तो, लेकिन एक हाथ तक वो आए उसके बाद वो अलग हो गए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये मत कीजिए। इसी तरह जब हमारे मिनिस्टर साहब आए तो उन्होंने भी इस सिलसिले में वो किया कि जो, तो ये है जिसको हम समझते हैं कल्चरल डिप्लोमेसी, कि आप अगर दूसरे मजहब की इज्जत करेंगे तो लामाला तौर पर दूसरे मजहब वाले भी आपके मजहब की इज्जत करेंगे। अगर आपके किसी के मजहब को बुरा कहेंगे तो देखें तो वो आपके मजहब को बुरा कहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये जो कल्चरल डिप्लोमेसी है इसके लिए पाकिस्तान को एक तहजीबी विरसे के साथ साथ उसकी प्रिजर्वेशन और प्रमोशन के साथ साथ हमें अपने हमसाया मुल्क जिसमें हिंदुस्तान भी है, जिसमें नेपाल भी है, जिसमें श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, इसमें चाइना भी है एंड अल्लाह हाजुर क्या पूरी दुनिया है, इनके साथ हमें इस तरह की कल्चर डिप्लोमेसी करनी चाहिए कि ये जो देखिए मैं इनको ये कहता हूँ कि ये जो हमारे लिए हेरिटेज साइट्स हैं, बुद्धिस्ट के लिए ये हेरिटेज साइट्स नहीं है, ये पिलग्रिमेज साइट्स हैं, ये मकामात मुकद्दस हैं। अच्छा एक और बात देखिए कि इस मकामात मुकद्दस के हवाले से अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर ये टूरिज्म के हवाले से कभी सोचें तो मैं इनको कहता हूं कि हमारे यहाँ दुनिया में अगर आप देखें तो दो बड़े रिलीजियस टूरिज्म के इवेंट्स हैं, एक मुसलमानों में एक हज है और एक कह लें कि वो जो है ईरान में जो कहते हैं वो जो गैदरिंग्स होती हैं। जी अच्छा आप कहने का करबला में करबला में जो कट होता है जी बिल्कुल जी। अच्छा आप कहने का वहां 30-40 लाख लोग आते हैं, इसी तरह से हज के अंदर आते हैं और वो उन मुल्कों की इकोनॉमीज चल रही हैं, क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम पाकिस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर बुद्धिस्टों का कोट अनकोट हज करा दें। अच्छा बुद्धिज्म के अंदर जितना मैंने थोड़ा बहुत जाना है, बुद्धिज्म के अंदर भी इन मकामात मुकद्दस की ज्यारत करना जिस तरह मुसलमानों के लिए एक किस्म की ऐसा इकदाम है वो बुद्धिस्ट के लिए भी है। तो हम अपने बुद्धिस्ट के लिए इस तरह की ज्यारतें खोल सकते हैं यहाँ के ऊपर। इससे क्या होगा, इससे होगा कि एक पाकिस्तान को इंटरनेशनली भी एक थोड़ा सा मिलेगा, मुस्लिम उम्मा के ऊपर जो हमें एक लगता है कि वो मिलिटेंट सोसाइटीज हैं वो दाग भी धुलेगा, लोगों को भी न्यूट्रलाइज होगा, उसको रोजगार मिलेगा किसी के आने से। तो मैं समझता हूँ कि चीजों को खराब करना बहुत आसान है, यानी तनकीद करना हुकूमतों पे मजाहब के ऊपर ये बहुत आसान है, लेकिन किसी चीज को सुलझा के सबको साथ लेकर एक कह लें कि अमन के रास्ते पे चलना और जो शेयर्ड कल्चरल हिस्ट्रीज है उनको सेलिब्रेट करना, उनको एक्नॉलेज करना, ये आसान काम नहीं है जो आप कर रहे हैं। जी आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान में भी एक कई इस टाइप के बुद्धिस्ट सर्किट्स बनाए गए हैं जहाँ के ऊपर जो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं खासतौर से साउथ ईस्ट एशिया के, वहां से काफी लोग आते हैं और उनको एक पूरा एक सर्कल है कि जहाँ पे ले जाके और टूरिज्म कराई जाती है, वो एक तरीके से एक सोर्स ऑफ इनकम भी है और बुद्धिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन भी है कि जिसके वजह से वो हमारे मुल्क में आते हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया, आई थिंक दीज आर सम ऑफ द वेज, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि एक जमाने में ये सोचा जाता था कि मॉन्यूमेंट्स को हम बिल्कुल पब्लिक से कट ऑफ कर दें, उन पर टिकट लगा दें, जो अंग्रेजों का तरीका था उनको टिकट लगा दें जिसमें पब्लिक अपने ही मॉन्यूमेंट से बिल्कुल दूर हो जाए और उसको कुछ और समझने लगे। बाद में ये देखा गया कि इससे तो बहुत नुकसान हो रहा है, एक नया डेवलपमेंट अब ये हुआ है, एक सोच डेवलप हुई है कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं या इस टाइप की जो उससे रिलेटेड कम्युनिटीज हैं उनको दोबारा उन मॉन्यूमेंट से अटैच किया जाए, उनको लिविंग मॉन्यूमेंट्स में तब्दील किया जाए। आई थिंक ये दो अप्रोचेज हैं, इसका क्या इसके क्या नतायज होते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में भी उसकी कोशिशें चल रही हैं, कुछ जगह पे हम जो हिस्टोरियंस हैं वह उसको अपोज भी कर रहे हैं, कुछ लेवल पे उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये एक लंबी बहस है क्योंकि बहुत से इसके फायदे हैं बहुत से नुकसान हैं, मैं अभी इस स्टेज पे इस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा,
नदीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने देर मुझे दी। बस आपके जाने से पहले मैं आपके सामने बस दो बातें और रखना चाहूँगा। एक तो ये कि जैसे आपने कहा कि आपके तक्षशिला में शहर की तरफ तवज्जो नहीं दी गई और वहाँ के ऊपर मॉडर्न डेवलपमेंट्स होते गए और इंडस्ट्रीज बनती गई, घर बनते गए और एक जो एक तरीके से जो हेरिटेज था उसको मॉडर्न डेवलपमेंट ने पामाल करना शुरू किया। कुछ वही हालात हिंदुस्तान में भी ज्यादातर मॉन्यूमेंट्स पे थे, लेकिन वी हिस्टोरियंस एक्चुअली थैंक वन ऑफ आवर ओन पीपल, एक हिस्टोरियन जिनका नाम प्रोफेसर नूरुल हसन था, जो अलीगढ़ में यहाँ हम लोगों को हमारे थे, वो पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे, और यहाँ से फिर वो इंदिरा गांधी के जमाने में वो एजुकेशन मिनिस्टर बना दिए गए थे वे बैक इन 1971। और उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने के बाद, क्योंकि बेसिकली वो हिस्टोरियन थे, ये प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं ये उनके जहन में थी, तो उन्होंने दो नेशनल प्रोजेक्ट चलाए थे। एक फतेहपुर सीकरी नेशनल प्रोजेक्ट चलाया था जहां पे उसकी खुदाई की गई, और सिर्फ खुदाई नहीं की गई बल्कि इंदिरा गांधी से कह के वहां ऊपर एक अकबर की सेंटेनरी मनवाई गई और उस पूरे एरिया को एक अहाता बना के सेपरेट करके उसको आज प्रेजेंट फॉर्म दिया। जैसे आज आप अगर कभी इत्तफाक हो सीकरी जाएंगे तो एक टूरिस्ट सेंटर जो बना हुआ है जहां से पब्लिक को हटा दिया गया है और उसको मेंटेन किया जा रहा है, तो वो तरीका जो था वो नूरुल हसन ने। इसी तरह हम्पी जो विजयनगर एम्पायर का कैपिटल है वहां पे भी साहब ने वैसे ही एक प्रोजेक्ट किया जिसमें हम्पी के एक नेशनल प्रोजेक्ट के तहत एक्सकेवेशन करवाए गए, उसको निकाला गया और आज अगर आप हम्पी भी जाएंगे वहां विजयनगर एम्पायर के रूइंस देखने के लिए तो वहां पे आपको एक वेल मेंटेन साइट जो मीलों में फैली हुई है वो आपको देखने को मिलेगी और वहां पे जो कब्जे थे उनको दूर कराया गया और आज वो जगह जो है वो एक तरीके से अब हिफाजत पे आ गई। एक चीज जो दूसरी चीज जो मैं आपसे आखिर में बिल्कुल कहना चाह रहा था वो ये कि अगर आप थोड़ा सा नदीम साहब, क्योंकि टॉपिक तो खत्म हो गया, हमने डिस्कस कर लिया आपसे, लेकिन जो पाकिस्तान में जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स हैं उनका क्या हाल है, नंबर एक। नंबर दो, जो गांधारा और तक्षशिला और इन सब कल्चरल हेरिटेज साइट्स पे जो काम आप लोग कर रहे हैं या गांधारा में आप कर रहे हैं, जाहिर बात है कि एक आध दूसरी जगह पे कुछ और दूसरी सोसाइटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो काम कर रहे हैं, क्या इन सब चीजों की अक्कासी पाकिस्तान में जो बच्चों को पढ़ाने वाले जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें होती है या नहीं होती? सर, मेरा ख्याल है कि टेक्स्ट बुक जो हैं वो जनरली एक प्रोपेगेंडे का टूल होती हैं किसी भी मुल्क में। अमेरिका में रेड इंडियंस के बारे में नहीं बताया जाता या ऑस्ट्रेलिया में कि क्या हमने यहाँ की मकामी आबादी के साथ सलूक किया, जब तक एक पूरा रेजिस्टेंस की एक मूवमेंट ना शुरू हो के जो उस स्टेट नैरेटिव को काउंटर बैलेंस करें। तो मैं यकीन, लेकिन ये कि 71 तक यानी 70s तक बुद्धिज़्म और गंधारा जो था वो हमारी टेक्स्ट बुक्स में था, और वो लोग के जो अभी 60s में हैं लेट से, जिन्होंने 70s में स्कूल में गए होंगे तो उनको तो बड़ा अंदाज़ा है कि ये क्या था। अच्छा, और एक बड़ी आपको दिलचस्प बात बताऊँ कि ये जो राजा त्रिदेव रॉय थे ना, इनको जब ये 71 के बाद इन्होंने अपनी जो राजधानी थी उसको छोड़ दिया, अपने बेटे के गालिबन सुपुर्द कर दिया और ये पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। 71 से लेकर 2012 तक जब तक ये हयात रहे, पहले 10-12 साल तो ये वफाकी वजीर रहे इनको, यानी उसके बाद इनको एम्बेसडर एट लार्ज बना दिया गया और ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रहे। अच्छा, उनकी मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान के नेशनल सीन के अंदर बुद्धिज़्म जो था वो उसकी कोई ना कोई, ये नहीं कि ये
आपको पता है बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस में भी आते हैं, जो माइनॉरिटी की सीट है जिस पर सिख जनरली इलेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, उसके अंदर बुद्धिस्ट भी कम्पीट करते हैं। अच्छा, तो यानी 70s तक तो ये था, अब उसके बाद का आपको पता है 80s का जो हमारे यहाँ जो इस्लामाइजेशन हुई है ज़िया के, जो अब मोदियाइजेशन जैसे आपके यहाँ हो रही है, सो टू से, तो वो कहने का मकसद ये है कि उस अमल के अंदर ये इस चीज को थोड़ा सा कहने पर से पुश डाल दिया गया। अच्छा, अब हम, मेरी कोशिश यह है कि ये एक बहुत मुश्किल काम है कि हम पाकिस्तान के निसाब में तब्दीली करें, और यहाँ के ऊपर तो हमारे जनरेशन स्कॉलर्स के अजीज मर्डर ऑफ हिस्ट्री इन पाकिस्तान वो लिख लिख कर वो दुनिया से चले गए और बाल बीका नहीं हुआ हमारे करिकुलम का। मैं ये समझता हूँ कि एक ऑल्टरनेट अप्रोच ये है कि हम इस सारे हेरिटेज को पॉपुलर कल्चर के अंदर लेके आए, जब तक कि ये लोगों की एक फ्री विल तौर पर, हिसाब को देखिए कंट्रोल्ड होता है बड़ा, एक वो एक प्रोपोगंडा होता है, वो इडियोलॉजिकल स्ट्रेट जैकेट्स होती हैं जो निसाब हैं। अभी गैर निसाबी, अब मुझे बताएं कि आपके हमारे बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रन का जो निसाबी नॉलेज है वो ज़्यादा है कि गैर निसाबी नॉलेज ज़्यादा है? वो सोशल मीडिया से, वेबसाइट से, फिल्मों से, ड्रामों से, थिएटर से, क्या कुछ सीख रहे होते हैं? तो ये निसाब में तो वो समझते हैं कि अजाब है यार, ये क्या पढ़ाया जा रहा है आपके यहाँ और हमारे यहाँ। तो मैं समझता हूँ कि मुझे ज्यादा इस चीज से गर्ज नहीं है कि निसाब में क्या है, भले जो भी डाल दें या रखें अपने पास, मुझे ज्यादा गर्ज इस चीज से है कि हमारे फिल्मों के अंदर, हमारे ड्रामों के अंदर, हमारे नॉवलों के अंदर, हमारे कार्टून्स के अंदर, है जी, हमारी ये जो तहजीब है, ये कल्चर है, ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर ये इंटरफेस हो जाएगा तो रेस्ट विल बिकम, यू नो, जनरेशन स्टेट के कंट्रोल से निकल गई है। आज आप मैस मीडिया पे पाबंदी है, हम पीटीवी या इस तरह की लाइव कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते बिटवीन टू कोट अनकोट एनिमी कंट्रीज, राइट? हैं, अब हम बैठे बात कर रहे हैं। तो कहने का मकसद यह है कि इस चीज को अगर आप समझ कर आगे चले तो आपको गैर जरूरी तौर पर फड्डे नहीं लेने चाहिए। नदीम साहब, ये जो फिलहाल स्लाइड आपके सामने है, ये आप लोगों के की हुई है या आप आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ पाकिस्तान का काम है? ये आपके सामने जो स्लाइड है ये, हेलो, आप, मैं लगता है कि हम लोगों का कांटेक्ट फिर शायद कुछ टूट गया है। तो जो ये स्लाइड हमारे सामने है, आई थिंक इससे कम से कम जो हिंदुस्तान में जो हेरिटेज एंड कल्चरल साइट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि बाद जगह हमारे एएसआई ने मॉन्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ की और उनको कंजर्व करने के नाम पे और रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल, फतेहपुर सीकरी में ऐसा ही किया गया, एक आध मॉन्यूमेंट के साथ उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई। जो आपके सामने जंदयाल टेम्पल की जो ये स्लाइड नदीम साहब दिखा रहे हैं, और उस पे आप ये स्लाइड पे देखिए लिखा हुआ है डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जंदयाल टेम्पल, और जो ओरिजिनल है वो अपनी जगह पे, और उसका जो उसको उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया है वो साइट को नहीं डिस्टर्ब किया है बल्कि उसको एक डिजिटाइज वे में उसको रिकंस्ट्रक्ट करके आवाम को बताने की कोशिश की गई। आई थिंक कि अगर हिंदुस्तान के या और हजरात जो एएसआई से जुड़े हुए हैं अगर इसे देख रहे होंगे तो शायद वो ध्यान दें इस चीज पे कि जहां जहां उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है उससे थोड़ा परहेज करें। और ये डिजिटल जो इमेजरी, जो नदीम साहब, मैंने आपसे ये पूछा था, आपका एग्जाम से नेट चला गया था, ये आप लोगों के सेंटर का किया हुआ काम है या आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने ये डिजिटल इमेजेस बनाए? नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये हमारा काम है। और हमारे सेंटर की एक एक्टिविटी ये है कि हम डिजिटल गंधारा के नाम से एक प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं जिसके अंदर हम ये करेंगे कि हम इनकी एक तो 3D मॉडलिंग की है हमने, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे इसके वर्चुअल रियलिटी हमने बनाई है। आप जब VR ग्लासेस पहन के अपने कमरे में घूमेंगे तो आपको लगेगा कि आप इस टेम्पल में घूम रहे हैं। और भाई हिस्ट्री के स्टूडेंट जरा ध्यान से सुने जो नदीम साहब बता रहे हैं कि कैसे एक्चुअली मॉन्यूमेंट्स को, हेरिटेज को कंजर्व किया जाता है, इसको आप लोग बहुत से सुनिएगा। जी नदीम साहब। जी सर,
तो उसके नतीजे के अंदर इससे ये है कि ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है ये चूंकि इसके सिर्फ रिमेन्स रह गए, लेकिन आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स के अंदर इसका ये प्लानिंग ड्राइंग इसकी मौजूद है, इसकी कंजक्चरल रेस्टोरेशन भी मार्शल ने भी की। उसके बाद हमारे यहाँ पर एक बहुत नामी ग्रामी हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सैफुररहमान डार साहब, उन्होंने की। अच्छा, उन्होंने कागज पे की जैसे एक पुराना कायदा था। हमने कहा कि अब जब नए सारे हमारे पास आईटी की इतनी बेस है, तो माय टारगेट वाज व्हाट आर दी आईटी बेस्ड एप्लीकेशन फॉर हेरिटेज। ठीक है, अब उसके नतीजे में इस जंडियाल टेंपल की डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन वीआर के नतीजे में हमने ये गूगल अर्थ पे भी एक सैंपल रखा हुआ है, उसके नतीजे में आप इसके आर्किटेक्चर को और इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को उस तरह से समझ सकते हैं कि जो अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, और ये पर्टिकुलर टेम्पल जो है, देखें ये नॉन बुद्धिस्ट हेरिटेज है, इट वॉज ए ज़ोरोस्ट्रियन टेम्पल बिल्ट बाय द ग्रीक इन अ ग्रीक आर्किटेक्चरल स्टाइल। ठीक है, और तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये मैं समझता हूँ कि दिस विड, ये हमने फिर एक और काम भी किया जो स्लाइड अभी नहीं है, इसी टेम्पल देखिए ये है ऑगमेंटेड रियालिटी। हमने क्या किया है कि हमने वहां स्क्रीन एक रख दी है इसी साइड के ऊपर, जिसके अंदर इसका पूरा सुपर स्ट्रक्चर जो है वो वाजे हो जाता है। अब उस स्क्रीन के थ्रू अगर आप देखेंगे, साइट के ऊपर स्क्रीन लगी हुई है स्टैंड के ऊपर, तो आपको ये पूरा इसकी जो है ना फिनिश्ड इन ए फॉर्म एटलीस्ट नजर आ जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि मसला ये है, एक मैं आपको चलते चलते एक बात मैं जिक्र करना चाहता हूं, आपने लिविंग मॉन्यूमेंट्स का जिक्र किया, मैं ये पढ़ रहा था और मुझे जान के बड़ी हैरत हुई कि मार्शल ने जो क्लासिफिकेशन की ना इंडियन हेरिटेज में बिटवीन लिविंग मॉन्यूमेंट्स एंड डेड मॉन्यूमेंट्स, अब ये जो क्लासिफिकेशन है वो ये है कि वो मॉन्यूमेंट्स के जिनके फॉलोअर्स अभी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मुसलमान थे मस्जिदें, अगर हिंदू हैं तो उनके मंदिर, तो वो तो लिविंग मॉन्यूमेंट्स की कैटेगरी में डाल दिए गए। अच्छा, अब ये जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स थे जितने भी हिंदुस्तान पूरे में, वो डेड मॉन्यूमेंट्स की कैटेगरी में डाल दिए गया इस बुनियाद के ऊपर के जी इनके मानने वाले तो है नहीं। ठीक है, तो ये फंक्शनल बिल्डिंग नहीं है। अच्छा, अब उसके नतीजे के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल डिस्कोर्स इंडिया और पाकिस्तान में है, वो अंग्रेजों के जमाने से जो जारी और सारी है, वो ये है कि टू कीप दीज सॉरी डेड मॉन्यूमेंट्स इन ए परपेचुअल स्टेट ऑफ डिसरिपेयर, ये वर्ड है, टू कीप देम इन ए परपेचुअल स्टेट ऑफ डिसरिपेयर। अच्छा, अब नतीजा उसका क्या है कि जी हमारे यहाँ टेक्सला के अंदर जो मेजर मसला है वो वेजिटेशन का है, घास उगाती है, अब आप उसको कुछ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते, और वो घास उगती है तो वो टूट जाते हैं पत्थर, फिर ये क्या करते हैं, फिर ये उनमें सीमेंट डाल देते हैं कि भाई पत्थर तो इंटैक्ट रहे हैं, चाहे झाड़ फूँक तो फिर आग लगा के खत्म कर देंगे, तो उसकी जो स्ट्रक्चर की जो इंटेग्रिटी है वो तो खत्म हो गई कि तो वो तो ऑथेंटिसिटी उसकी रही नहीं, फिर तो आप नया बना के ताजमहल खड़ा कर दें, पुराने को गिरा दें। अच्छा, अब ऑल आई एम सेइंग इसके नतीजे के अंदर ये चेंज होना चाहिए, इन मॉन्यूमेंट्स को डेड मॉन्यूमेंट्स जो खासतौर पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं, इनको लिविंग मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करना चाहिए थ्रू अ पॉलिसी चेंज, इनको उस कैटेगरी से निकालना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि देखिए ये जो साइट्स हैं ये कितने आर्कियोलॉजिस्ट के लिए इंटरेस्ट की बात है, जबकि उसके मुकाबले में इनकी जो पॉपुलर अपील है एज ए मकामात मुकद्दस वो तो बहुत ज्यादा है कि, तो उधर अगर अच्छा आप उस मकाम मुकद्दसा में आप, मैं इनको कहता हूँ नौजु बिल्ला आप खाना काबा में एंटर हूँ और आपके पाँव के अंदर कांटे चुभे और आपके इर्द गिर्द झाड़ियाँ हों, तो आपका दिल करेगा वहां इबादत करने के लिए? इस तरह से अगर एक जो बुद्धिस्ट यहाँ पे आते हैं वो बेचारे जो है ना वहाँ वजू करने के लिए उनका जगह है, ना उनके लिए पानी है, ना उनके लिए बिजली है, ना उनके लिए अपने कपड़े तब्दील करने का कोई निज़ाम है, वो तो हेरिटेज मतलब दे आर नॉट ड्रिवन बाय हेरिटेज सेक्युलर हेरिटेज। ठीक है, वो तो दे आर मोटिवेटेड बाय रिलीजियस डिजायर, वो तो एक मजहबी ख्वाहिश से वहां पे आए हैं। ठीक है, उन्होंने तो वहां पे अपने वो भी बांधने हैं, यानी अपनी मन्नतें भी मांगनी है। तो भाई ये जो सारा डिस्कोर्स है आर्कियोलॉजी का हेरिटेज के ऊपर, मैं इसको बहुत जोर से क्वेश्चन करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें अपने हेरिटेज की डिबेट को ब्रॉडन करना चाहिए, कंपैरेटिव रिलीजन के अंदर बुद्धिज्म इस्लाम की बात होनी चाहिए, बुद्धिज्म हिंदुज्म की बात होनी चाहिए। जैसे कल ही एक किताब पाकिस्तान में आई है, एक हमारे जो यहाँ के जो डायरेक्टर आर्कियोलॉजी हैं खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर समद, उन्होंने उनका पीएचडी का डिसर्टेशन था जर्मनी में, इट्स पब्लिश कम आउट एज ए बुक कॉल्ड हिंदुइज्म इन गंधारा।
ठीक है, कल उसकी वो बुक लॉन्च है, वो उसके लिए भी सो आई एम ऑल, उनको पढ़कर मैं कुछ बात भी करनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस हमारी जो 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 पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो खास तौर पे ये जो बुद्धिस्ट हेरिटेज है, इसको थोड़ा निकालना चाहिए फ्रॉम द एएसआई कंट्रोल एंड द आर्कियोलॉजिकल, मतलब यू नो उनका ये लैक ऑफ गोल्स, और इसको दूसरे सेक्टर्स में हमें लेकर जो डिसिप्लिन में उलूम में लेके आना चाहिए, इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, फिल्म मेकर्स को करना चाहिए। अभी हम यहाँ गंधारा सेंटर के अंदर हम करा रहे हैं जनाब फिक्शनल राइटिंग वर्कशॉप इन गंधारा, कि भाई एक फिक्शन को प्रमोट करने के लिए हम उनको लाएं या उनको हेरिटेज साइट्स पे लेके जाएं, उनको लेक्चर चीजें उनको एक्सपोज करें, लोकल कम्युनिटी से मिलवाएं और वो कहानियां लिखें। आप ये देखिए कि ये एफर्ट एक साल अगर सस्टेन तरीके से हो जाए ना, तो ये आप देखें कि एक कल्चरल रेनेसांस जो है वो क्रिएट हो सकता है। हम वो हमारी जबानें वो हैं, हमारी बहुत सारी मुश्तरका रवायत हैं जिनके साथ हम जी सकते हैं, बजाय कि हम आपस में लड़ लड़ के मर जाएं। बिल्कुल सही नदीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया, हम लोगों से बात की। जाहिर है कि बहुत से ऐसे चीजें हैं गांधारा के बारे में या दूसरे रीजन्स के बारे में या क्या हालात हैं पाकिस्तान में, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हम लोगों को नहीं मालूम थी और हमारे इल्म में उसका इजाफा हुआ। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। मैं अपने ऑडियंस से ये कहना चाहूंगा कि जो काम डॉक्टर तरार कर रहे हैं उस पे जो मुझे समझ में आया, जाहिर है कि मैं एंशियंट पीरियड का आदमी नहीं हूँ, मैं मिडिवल इंडिया का आदमी हूँ, लेकिन बहरहाल जो मुझे समझ में आया वो ये कि एक जो डॉक्टर नदीम तरार ने जो चौपाल सिस्टम जो अपने यहाँ शुरू किया वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आवाम से राबिता कायम करके रखना और आवाम को जाहिर है कि इन्होंने जो बताया वो उनसे उनका तारुफ कराना, उनसे बातचीत करना, लेकिन उसी इनफॉर्मल गुफ्तगु में उस साइट के बारे में जहां वो बैठ के बात कर रहे हैं उसके बारे में बताना, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज जिसके थ्रू हम अपने कल्चरल साइट्स को, हेरिटेज को हम बचा के रख सकते हैं, उनको आम कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आज एक तरीके से मैं लेके जा रहा हूँ नदीम साहब के इस पूरे एक्सपोजिशन से, वो ये है कि हम लोगों को चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में हो, कि जो अपने कल्चरली हेरिटेज साइट्स हैं या एंशंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनके साथ बजाय छेड़छाड़ करने के उनका डिजिटल मॉडल बना के साइट बाय साइट उनको रख के और उनकी उसके थ्रू उसकी स्टडी की जाए। जो कंजर्वेशन जो सर जॉन मार्शल जो उनका एक मैनुअल था जो 1905-6 में उन्होंने तैयार किया था, जिसमें सर जॉन मार्शल ने कहा था कि किसी साइट को कंजर्व करने का मतलब यह होता है कि अगर आधी दीवार खड़ी है तो उसको बस इतना कर दीजिए कि वो फर्दर न गिरने पाए, और अगर कुछ उसके ऊपर कोई अगर मॉस या किस टाइप की चीज हो रही है वो अरेस्ट कर ली जाए, और उसको उसी चाहे वो जितनी बदसूरत लग रही हो वो बदसूरत ही एक हिस्टोरियन के लिए बहुत अच्छी इमेज है। और अगर उसको आप करना ही चाहते हैं, फुल करना चाहते हैं, तो हमारे पास अब टेक्नोलॉजी मौजूद है, उसके थ्रू वी कैन ऑलवेज रिक्रिएट व्हाट एक्चुअली इट लुक्ड लाइक इन द पास्ट। Many, many thanks to you, Nadeem. In the end, I will just point out that these programs would continue, and we have a number of scholars, as I mentioned to you when we were beginning, that there are many scholars from India as well as outside who will be connecting with you. हमने आपको देखा होगा आज, क्योंकि हम लोगों की दोनों की मादरी जबान ऐसी है कि जिसमें हम उससे बात कर सकते थे, तो हम लोगों ने अंग्रेजी को नहीं ज्यादा प्रेफर किया, हालांकि इससे बहुत नुकसान है, बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमने ये कोशिश की कि जो नॉर्थ इंडिया में जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है या पाकिस्तान में जहां सबसे ज्यादा इन सब चीजों की प्रॉब्लम है, वहां की आवाम अगर हमें देखे और सुने तो उससे कुछ सीख सके। विद दीज वर्ड्स आई वंस अगेन थैंक शगुफ्ता एंड आई थैंक नदीम उमर for participating in this program.
Shagufta, do you have to say something? Yes, sir. So thank you so much, Dr. Tarar, for joining us. And despite the technical glitches, I think we were able to drive the point home. Thank you so much. And look forward to your webinars where you will be bringing Gandharan culture and, you know, civilization forward and to many students so that they can take benefit of that. I also want to thank Professor Rezavi. He has been a consistent supporter and has always been, you know, we can almost count on you. So for any support, thank you so much, sir. I'm so happy and honored to have you in this collaboration. Okay. Nadeem, ho sakta hai ki future mein bhi aapko phir ek baar hum log possibly be able to do a virtual tour of Takshila if it's possible. Yeah. Because, you know, it's very much possible. You know, it's something I'm sure that just as people talk about Fatehpur Sikri in Pakistan, we talk the same way in some sort of mythical proportion about Takshila, because it's inaccessible, sort of that forbidden world. So a lot of Indian students would benefit by a sort of virtual tour to Takshila. Yes. Okay, we can always schedule it and I can take you around through live sort of broadcast. Yes, sir, so that works really well. We would love to have that. Yes, we can schedule it and let you do that. I mean, of course, that will be awesome. Thank you. And this program will be up on YouTube. So we can all watch that on YouTube. And then also, I want to point out to our next weekend's program. It's going to be a Bengali weekend because the Durga Puja is around the corner. So we're starting on Friday, the 9th of October. It's famous author and writer Sudeep Chakravarti, who will be talking about his book, The Bengalis. And then on the 10th, we have Sucharita Sanyal, who will be talking about Prabhashi Bengalis and their life and world. And then, of course, we will close the weekend and the program with Samrat Banerjee, who will be talking to us about Bengali cuisine and also about Durga Puja in Delhi. So stay tuned for much more than this Bengali weekend. We might have some surprise packet. And Professor Rezavi and I are always cooking up something or the other. So there will be some surprise package there. Thank you again. Thank you both of you for supporting us. Thank you. Have a great evening. Good night. Good night.